हेलो नमस्कार गुड इवनिंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग बढ़िया है बिल्कुल अच्छे होंगे जबरदस्त होंगे जोरदार होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते होंगे तो पशु परिचय भर्ती परीक्षा बिल्कुल एग्जाम जो है मई जून में प्रस्तावित है और टेंथ पास की एक सबसे बड़ी भर्ती है जिसके अंदर पशुपालन विभाग पार्ट बी के अंदर बीस uh, यूनिट में से एक यूनिट दी हुई पशु मेले उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और उसके अलावा जितनी भी राजस्थान में कॉम्पिटेटिव uh, एग्जाम्स होते हैं प्रतियोगी परीक्षा होती है उन सब में पशु मेलों का क्वेश्चन पार्ट ए जीके के तहत भी आता है यानी कि आपका जीके का भी एक पोर्शन और पशु परिचय बढ़ती की बात करें तो इसके अंदर पोर्सन इसके अलावा एल एक बढ़ती होती है उसके अंदर भी क्वेश्चन आता है और अनेकों अनेक हर एग्जाम में राजस्थान में पशु मेलों का सवाल दिखता है अब इसमें यह दिक्कत रहती है सर इसमें जगह तो फिर भी याद हो जाती है जो इसकी तिथियां डेट वो याद नहीं होती है तो उसका कैसे करें और जो इस परीक्षा से लेकर थोड़े से डिस्टर्ब हुए थे कि सर है ना ये भर्ती पोस्टमोर्न होगी ऐसा वैसा तो मैं बता दूं भर्ती वही है ठीक है सिर्फ आचार संहिता लगने से आ, ये जो एग्ज़ाम बढ़ने की डेट है उसको पोस्टपोन किया उस पर वीडियो डाला हमने और उसमें यह भी है बाकी सारी शर्तें सेम रहेगी यथावत रहेगी सिलेबस वही रहेगा एग्ज़ाम की डेट वही रहेगी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के अंदर जो फॉर्म भरा जाता है वो हो सकता है एक दो दिन में नई डेट आ जाए है ना उस डेट पे फॉर्म भरे जाएंगे लेकिन एग्जाम मई जून में प्रस्तावित है और मैं पशुपालन विभाग में हा, होने से अंदर की बात तो की बात बताएं तो पशु परीक्षक वैकेंसी पोस्ट भी खाली है तो सरकार भी चाहेगी ये जल्दी से जल्दी भरे तो पशु मेलों को कैसे याद करेंगे इस पर कैसे काम करेंगे तो कुछ बढ़िया ट्रिक्स और टेक्निक के साथ काम करने वाले हैं मेरे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं सुशील जी रेखा जी सविता जी सिमरन जी है ना तो सभी बच्चे

उसके बाद ये लिस्ट आपको दिखाऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन दस पशु मेले जो है राजस्थान सरकार ने जिसको रजिस्टर्ड किया है यो तो पे मेले बहुत होते हैं लेकिन दस पशु मेलों को राजस्थान सरकार ने जहां पशुपालन विभाग एज अ ड्यूटी भी देता है और विभाग में जिसको पंजीकृत किया वो 10 मेले हैं तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें तो फर्स्ट बलदेव पशु मेला पहला जो है बलदेव पशु मेला जो है उसके बारे में अपन पूरा जानते हैं कि बढ़ता है और उसके बाद में उसकी तिथि क्या होती है और उसमें कौन सी नस्ल के पशु आते हैं इसमें टोटल तीन प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं सबसे पहला कि साहब मेला कहाँ बढ़ता है ठीक है तो सबसे पहले ये मेला कहां बढ़ता है तो ये मेड़ता नागौर है वहां पर बढ़ता है मेड़ता मेड़ता का डिस्ट्रिक्ट पूछे

से मैं घमंड आ गया है ठीक है तो मेड़ता नागौर उसके बाद इसकी तिथि जो है डेट जो है और इसमें कौन से आएंगे तो ऑब्वियसली नागौर है तो इसमें नागौरी नस्ल के पशु हैं, वो ज्यादा आते हैं और यूं किसी को मना नहीं है लेकिन यदि मुख्य पूछे तो इसमें नागौरी नस्ल के पशु जो है वो अधिक दिखते हैं बाकी और भी पशु लाओ तो कोई मना नहीं करता है साहब आप ये क्यों लाए ठीक है अब इसकी तिथि क्या करेंगे ये तिथियां बड़ी याद मुश्किल से होती है कि इसको कैसे याद करेंगे तो बलदेव और मल्लीनाथ सुनना ढंग से बलदेव और मल्लीनाथ ये दोनों पशु मिले जो है चैत्र के अंदर बढ़ जाते अब चैत्र में भी सर आगे भी तो डेट होती है बिल्कुल चैत्र में जो यह है ये चैत्र में प्रतिपदा एकम एक एकम समझते हो ना हाँ चैत्र में प्रतिपदा एकम एक से लेकर यह पंद्रह दिन तक चलता है तो ये चैत्र 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 कौन सी शुक्ल ठीक है प्रतिपदा प्रतिपदा यानी कि यहां से नवस चालू होता है इसको अपन बोले एक से ये पूर्णिमा तक पंद्रह दिन तक ये पशु मिला चलता है ठीक है ऐसा पूछ सकता है कितने दिन तक चलता है पंद्रह दिन तक ठीक है अब इसी के जैस क्षेत्र में एक और होता है मल्लीनाथ पशु मेला ये इधर मेड़ता नागौर में चलता है और वो उधर बालोतरा के अंदर जो पहले बाड़मेर हुआ करता था अब बालोतरा जिला है उसके अंदर है तो बलदेव जिसमें बल होता है जिसके में बल होता है उसको क्या आ जाती है मैं आ जाती है क्या आ जाती है मैं आ जाती है ठीक है नागौर में है तो नागौरी पशु मेले है और ये चैत्र में है सर ये चैत्र वैत्र ये सबकी ट्रिक्स बताऊंगा आराम से रहे पूरा सेशन अटेंड करने के बाद आपको लाइफ में कभी पशु मेले नहीं देखने पड़ेंगे ये मेरी कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी ठीक है उसके बाद में अपन आते हैं दूसरा पशु मेला कौन सा मल्लीनाथ पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला जो है तिलवाड़ा में है मल्लीनाथ पशु मेला मैं हरेक को इसलिए हाथ से लिखूंगा प्रिंट भी ला सकता है लेकिन ऐसे आपको थोड़ा सा अटैचमेंट बढ़ेगा हां इस प्रकार से याद करते हैं तो मल्लीनाथ तल्लीनाथ पहला तो मल्लीनाथ तल्लीनाथ तल्लीनाथ मतलब तिलवाड़ा तो ये जो है तिलवाड़ा में है बना जाता है अब तिलवाड़ा कहां पर है तो पहले बाडमेर था लेकिन अभी यह बालोत्रा के तिलवाड़ा बालोतरा से 10-15 किलोमीटर दूर है लेकिन ऑप्शन में बालोत्रा नहीं हो अपडेट नहीं हो तो ध्यान रखना बाड़मेर भी हो सकता है यदि बालोत्रा नहीं दिया क्या पता नए जिलों को दे नहीं देवे ठीक है तो बाड़मेर भी हो सकता है तो मल्लीनाथ तल्लीनाथ तिलवाड़ा मल्ली तल्ली, तिल तल्ली बैठ रहा ना तिलवाड़ा और ये बाड़मेर है बालोतरा में है तो बाड़मेर बालोतरा बाबा तो मल्ली बाबा जय हो मल्ली बाबा की कौन से हैं मल्ली बाबा ये है ना जो तिल खाते हैं तो मल्लीनाथ तल्लीनाथ बाबा जय हो बाबा की आज सभी देवताओं को याद करने वाले हैं तो अच्छे से, से सेशन में भगवान का नाम लेके बैठेंगे ना तो आज सभी देवताओं को अपने लोक देवताओं को याद करने वाले हैं सभी को नमन करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे अब सर ये तो मुझे याद था आप तो इसकी तिथि बताओ और ये बताओ इसमें नस्लें कौन सी आती हैं अब सुनो बाड़मेर है तो बाड़मेर में कॉकरेज नस्ल होती है बड़े बड़े सींगों वाली आपने देखी है तो काली नस्ल होती है सींग होते हैं बड़े बड़े ठीक है तो इसमें कॉन्करेज है और जैसलमेर से एक नस्ल आई है उधर से थार पार कर पाकिस्तान से जैसलमेर आई जैसलमेर से बाड़मेर तो इसमें आपके कांक्रेज कौन सी है कॉकरेज और पारकर कंक्रीट और थार पारकर पार ये दो नस्लें जो है बहुत ज्यादा इसमें देखी जाती है तो क बना लो कंक्रेज और था तो मल्ली बाबा क्या कहते हैं कथा कहते हैं क्योंकि देखो आप बाड़मेर बालोत्रा याद कर लेंगे लेकिन ये जो पशुपालन के नस्लों वाला सेक्शन है ना के सर ये नस्ल याद नहीं होती है तो वीडियो खत्म होते तो एक एक नस्ल आपको याद होने वाली है लेकिन पेन कॉपी लेके बैठना और कॉन्फिडेंस से चेहरे पे मुस्कान लेके बैठना याद करना है बस ये लेके बैठना ठीक है और सेशन को शेयर कर दो क्योंकि इतना शानदार चैप्टर है जो हर परीक्षा में आ रहा है तो हर उस बच्चे को जोड़ो जिसके ये एग्जाम देना है जो एग्जाम देगा जो भी एग्जाम देगा है ना आर एसा तक में क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो कैसे याद करेंगे तो पहले देखो मल्लीनाथ तल्लीनाथ तल्लीनाथ से तिलवाड़ा ठीक है फिर मल्ली बाबा की जय हो मल्ली बाबा कथा कहते हैं जय हो मल्ली बाबा की जय हो तो बाबा सा आ जाएगा बालोत्रा बालोत्रा नहीं होगा तो बाड़मेर जय हो मल्ली बाबा की कथा कहते हैं मल्ली बाबा क से कॉकरेच था से थारकर कॉकरेच थार पारकर कॉन्क्रेच थार पारकर वापस करें आओ इधर मल्ली तल्ली तिलवाड़ा जय हो मल्ली बाबा की जय हो मल्ली बाबा की बालोत्रा बाड़मेर बा बालोत्रा फर्स्ट प्रायोरिटी पे बालोत्रा नहीं हो तो बाड़मेर टिक कर सकते हो दोनों में से एक होगा फिर मल्ली बाबा क्या कहते हैं मल्ली बाबा आश्रम में विराजमान हो गए और आपको कथा सुनाते हैं क से कांक्रेच थ था से थार पार कर ये सारा आपके यहां पे जखीरा है सर इसकी तिथि क्या है अब सुनो इसकी तिथि मैं बताता हूं ये जैसे बलदेव जी थे ना बलदेव जी तो बलदेव जी कौन थे कृष्ण जी के बड़े भाई थे तो बलदेव जी और मल्लीनाथ मान लो कृष्ण जी के अवतार अपन एक सजेशन माने तो मल्लीनाथ जैसे कृष्ण जी के है ना अवतार है या कृष्ण जी संबंध रखते हैं तो अब बलदेव जी आए कब एकम को बलदेव जी कब आए थे एकम को चैत्र के एकम को उसके दस दिन बाद मल्लीनाथ आते हैं है ना दस दिन बाद हालांकि वाइज देखें तो ये आपके ये भी चैत्र में होता है ये भी चैत्र में होता है लेकिन मलिनाथ कृष्ण पक्ष में आते हैं चैत्र कृष्ण में लिखता हूं एकादशी नहीं है ना से वापस कृष्ण के बाद क्या आएगा शुक्ल आएगा तो चैत्र का शुक्ल एकादशी तक ये एकादशी और ये मैं आपको प्रिंटेड बता दूंगा अपने ये ग्यारह विज्ञा ठीक रहेगा तो अब चैत्र में वो भी था ये कृष्ण अब सुनो ये कृष्ण और शुक्ल का मैं झंझटी खत्म कर रहा हूं इस बात को ढंग से लिख लेना अटेंड कर लेना चैत्र शुक्ल है दस में से आठ पशु मेले शुक्ल है दो ही कृष्ण है एक तो है मल्लिनाथ जी तो मल्लिनाथ जी मान लो कृष्ण भगवान के हैं भाई बड़े भाई बलदेव जी छोटे हैं कृष्ण जी ठीक है तो कृष्ण जी कैसे थे थोड़े श्याम थे काले थे ना तो कृष्ण जी और महाशिवरात्रि ढंग से लिख लेना दो ही जो है दो ही जो है वो किसके अंदर है आपके कृष्ण पक्ष में है तो आप इस बात का एक पहले ही ध्यान कर लो कि दस में से दस में से दो पशु मिले जो है वो कौन से हैं कृष्ण पक्ष में हैं? और बाकी आठ के आठ शुक्ल में हैं तो ये झंझट बार बार कृष्ण शुक्ल का खत्म सर ये दो बता दो ना? बिल्कुल इस दो में एक तो है मल्लीनाथ पशु मेला तो मल्लीनाथ है तल्लीनाथ ये कृष्ण जी का अवतार है और एक कौन सा है महाशिवरात्रि पशु मेला है तो ये दोनों के दोनों जो है वो कौन से हैं कृष्ण पक्ष में दोनों माँ से स्टार्ट हो रहे हैं कृष्ण पक्ष में बाकी आठ अब आठ के क्या नाम लिखने में यहां पे पूरे याद करा दो बाकी आठ तो यदि कभी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दिक्कत हो तो कृष्ण पक्ष में कौन से है म वाले मल्लीनाथ महाशिवरात्रि म जिसमें आ रहा है मल्लीनाथ महाशिवरात्रि ये है कृष्ण पक्ष में है तो इसको बना लो मामा कृष्ण मामा ठीक है म म मामा मा बना लो तो कौन सा मामा कृष्ण मामा है ना कौन सा मामा है कृष्ण मामा किशन मामा होता ना जैसे कैसे किशन जी मामा है किशन जी चंदा मामा किशन मामा कृष्ण मामा ठीक है तो किशन जी मामा तो कभी कृष्ण पक्ष में पूछे तो मामा जो याद कर लो ना मामा मा 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 कर लो जी ठीक है उसमें एक तो आ जाएगा मल्लीनाथ एक महाशिवरात्रि क्या आपको दोनों याद हुए क्या हाँ, मैं आपको अपडेटेड ही पढ़ाऊंगा दो ही चेंज हुए हैं बाकी नहीं प्रजनन केंद्र का अलग सा आएगा मनीषा जी प्रजनन केंद्र का सेशन अलग आएगा पूरा ये ये पशु मेले हैं आप रहें। आप निश्चित क्लास अटेंड करने के बाद जान जाएंगे कि सर एक भी पॉइंट को छोड़ने वाले नहीं है उल्टा मैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से विस्तारित बढ़ाऊंगा ऐसे में इसको लेने वाला हूं तो आपके प्रजनन केंद्र हो गया अनुसंधान केंद्र हो गया उनको डिटेल में बताऊंगा अभी पशु मेले हैं तो वही पढ़े तो आपको क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया कि दस में से कितने हैं कसन है किसन मामा कसन मामा और बाकी शुक्ल में ठीक है अब आओ इधर हाथों हाथ ट्रिक चलते हैं ठीक है तो आपके चैत्र में कौन कौन से मेले आए चैत्र में कौन कौन से मेले आए दो मेले आए कौन कौन से बलदेव और मल्लीनाथ कौन कौन सा आए बलदेव और मल्लीनाथ अरे कौन कौन से आए बलदेव और मल्लीनाथ ठीक है डेट भी देखो क्या है चैत्र तो आगे लिखा हुआ है ना चैत्र तो आगे लिखा हुआ है ये आपके एक से लेकर पंद्रह तक आए ये और ये दस दिन बात कर देना एक के से दस दिन जोड़ो एक के एक ग्यारह ग्यारह से ग्यारह तक अब आगे डिटेल लिखा हुआ है ये मल्लिना जी है ये कृष्ण है है ना और ये शुक्ल है बाकी सब शुक्ल है दो ही कृष्ण है ये है ये लो फिर भी याद नहीं हो चैत्र में चैत्र में जब नवर्ष आता है हिंदू नवर्ष आता है तो अपन क्या करते हैं बम फोड़ते हैं आजकल बहुत चलन बड़ा है जब चैत्र में हिंदू नवर्ष आता है तो अपन बम फोड़ते हैं और अनेकों अनेक, अनेक कार्यक्रम भी करते हैं तो चैत्र में चैत्र में बम फोड़ो चैत्र में बम फोड़ो ब से बलदेव पशु मिला म से मल्लीनाथ पशु मिला चैत्र में चैत्र में पूछ ले कब तो बलदेव जी पहले आते हैं बड़े हैं बलदेव जी बड़े हैं पहले आते हैं मल्लीनाथ कृष्ण जी बाद में आते हैं तो बलदेव जी एक से पंद्रह दिन ये आगे कर दो तो ग्यारह से ग्यारह एक से पंद्रह ग्यारह से ग्यारह मल्लीनाथ जी, जी है, है, कृष्ण जी हैं काले हैं कृष्ण पक्ष में और बलदेव जी सबको पता बलदेव जी तो गोरे थे ना कृष्ण तो आपने देखी होगी कृष्ण जी की तो वो कृष्ण लीला और अलग अलग एग्जाम है ना तो उसके अंदर ये वाला है स्प्रीन शॉट लेके चलता सबके क्योंकि ऐसी ट्रिके नहीं मिलेगी भाई देखो आपको थ्योरी मिल जाएगी लेकिन ऐसे ट्रिक्स ऐसे जो है कनेक्टिविटी लिंक्स ये नहीं मिलेंगे ठीक है हाँ तो चैत में बम फोड़ो चैत में बम फोड़ो बलदेव जी गोरे हैं मलिना जी काले हैं बलदेव जी एक को आते हैं एक से पंद्रह दिन रहते हैं और दस दिन बाद ग्यारह से ग्यारह कौन आते हैं अपने मलिना जी आते हैं। क्या दोनों याद हो गए अरे बोलो हाँ अब आते हैं नेक्स्ट पे हाँ नेक्स्ट अपने जो है उस पे तीसरा पशु मिला तीसरा जो है यहां पे जय हो गोगा जी बाबू जी कह रहे हैं गोगा मेडी पशु मिला ठीक है गोगा मेडी पशु मिला इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई ध्यान रखना एक एक को लिख लेना साथ में जैसे ऑफलाइन में बैठते हो ना एकदम ध्यान लगा के वैसे गोगा मेडी पशु मिला है सबसे पहले कहा है तो सबको पता है गोगा मेडी कहा है हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ में पूछे कहा है नोहर कहा है नोहर हनुमानगढ़ में है ये देखो आपको पूरी लिस्ट है लेकिन मैं लिस्ट बाद में दिखाऊंगा आपको लिस्ट यहां पे मैंने सारी बना रखी है देखो लेकिन लिस्ट में अभी नहीं दिखाऊंगा नौर हनुमानगढ़ मैंने प्रिंट करा रखा है लेकिन पहले मैं हाथ से लिख के याद कराऊंगा नोट्स बनाऊंगा पढ़ाऊंगा ऑफलाइन के फिर ये दिखा दूंगा ठीक है तो गोगा मेढी कहाँ है हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ में पूछे कहां पर है नोहर में तो नोहर है और नोहर कहां पे हनुमानगढ़ में है ठीक है तो गोगा जी किसके भगत थे हनुमान जी के भगत थे ठीक है अब सुनना यहां से आएगा मजा गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ ह से हनुमानगढ़ ह से हरियाणवी ये हरियाणा से अटैच है हरियाणा से संबंधित है तो ये हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए जाना जाता है तो इसमें हरियाणवी नस्ल के पशु ज्यादा आते हैं इसमें किसमें आते हैं हरियाणवी नस्ल के पशु ज्यादा आते हैं हरियाणी नस्ल के पशु इसमें ज्यादा आते हैं बाकी मना किसी को नहीं है कोई आए तो ऐसे थोड़ी निकाल देंगे है ना इसको ऐसे याद कर लो ह से हनुमान हनुमानगढ़ हरियाणवी अब यहां आता है इसकी तिथि क्या आ गी? सबसे लंबी अवधि वाला पशु मेला है गोगा मेड़ी ठीक है अब सुनना गोगा मेड़ी या गोगाजी गाँव में आप यदि सुना है तो गोगो गोगोजी गोगोजी कहती है अपने जिक्र आता किसका सर्प का है ना सर्प गोगो जी के कनेक्शन बताते हैं तो अब गोगो गो जी यदि मैं लिखूं तो आपको सर मिल जाएगा कैसे सुनो यदि मैं गोगा जी को गोगो गो जी लिखूं और गांव में अपन गोगो गो जी कहते हैं आज भी हमारे गांव में यदि कोई सर देखे तो जय हो गोगो बाबू गो जी, जी। इसमें देखो आपको दो वर्ड मिले गो 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 से क्या है गोड़ और ये वापस क्या है गोड़ और गोल क्या होता है पूर्णिमा का चांद होता है अरे पूर्णिमा का चांद तो देखा है ना भैया हाँ तो पूर्णिमा का चांद कैसा होता है छोटा होता है एकदम गोल होता है गोल होता है ना हाँ तो गोल गोल लाडू लाडू नहीं है गोल गोल क्या है पूर्णिमा है तो ये पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और वापस पूर्णिमा तक चलता है Okay... पूर्णिमा से पूर्णिमा है गोगो जी महाराज का ये तो यहाँ पे ध्यान रखना पूर्णिमा से पूर्णिमा है लेकिन कौन सी पूर्णिमा तो ये आते हैं सवर्ण भादुआ में सवर्ण भादुआ गोगा तेजा सवर्ण भादुआ गोगा तेजा लोका होती है सवर्ण भादुआ गोगा तेजा के गीत गाए जाते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना ये श्रावण की पूर्णिमा से आएंगे ये कहां से आएंगे श्रावण की पूर्णिमा से ये श्रावण की पूर्णिमा गोल गोल से भाद्रपद की पूर्णिमा तक भाद्रपद की पूर्णिमा तक आएंगे तो पूर्णिमा से पूर्णिमा एक महीना सबसे लंबी अवधि वाला एक महीने तक चलने वाला एक महीने तक चलने वाला पशु मिला है यदि पूछे कभी भी कि सबसे लंबी अवधि एक महीने तक चलने वाला पशु मेला है यदि आपको पूछे कभी कि सबसे लंबी अवधि वाला पशु मेला कौन सा है गोगा जी पशु मेला है कैसे याद करोगे भाई गोगा जी को बोलो गोगोजी क्या बोलो गोगोजी ये लो देखो मैं बताता हूं ट्रिक गोगो जी जय हो गोगोजी महाराज की आज भाई साहब कमेंट बॉक्स में सभी देवताओं की जय बोलनी है क्या पता कौन से देवता का आशीर्वाद मिल जाए और नौकल सेट हो जाए है गोगोजी जय हो गोगोजी बाबू जी की गो 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 घोड़ गो घोड़ लाडू पूनम गोल, गोल, गोल पूनम गोल गोल से पूनम का है सावन भादवा गोगा तेजा सावन भादवा गोगा तेजा सावन से लेकर भादवा तक एक महीना तक भाई साहब नहर के अंदर ये मेला चलता है है ना हाँ ये है ओके okay है ना भाई हाँ तो अब यहां पर यह स्क्रीन लेते रहना समय मैं कम दूंगा क्योंकि मुझे इसके क्वेश्चन भी कराने और आज के आपके दृष्टि पटल मस्तिष्क पटल में याद भी कराना है तो इसका स्क्रीन ले लो फटाफट क्विक ओके भाई हाँ चलिए तो अब आते हैं जय बोलो तेजाजी बाबूजी की जय हो फटाफट लिख दो कमेंट बॉक्स में तेजाजी की जय तो तेजाजी पशु मिला तेजाजी पशु मिला ठीक है तेजाजी पशु मेला ये कहां बढ़ता है तो तेजो जी में इतना तेज था कि लोग कहते हैं कि इनको जो देखता था उन्हीं में एक एनर्जी आ जाती थी और इनकी फोटो देखते इनके मंदिर के आगे जाते ही एक एनर्जी मुझे भी महसूस होते हैं जब मैं गांव जाता हूं तो बीच में जगह जगह तेजो जी के मंदिर आता हैं हर मंदिर पे है ना शीश झुक जाता है क्योंकि इन्होंने इस प्रकार से जो है ख्याति कमाई है तो तेजो जी का नाम लेते ही लोग पर्वत पे स्वर स्वर चढ़ जाते हैं जैसे कोई पर्वत पे नहीं चढ़ पा रहा था जो उस कम हुआ उसने बोला जय तेजो जी की और भाई साहब आप पर्वत पे सर सर चढ़ गया अरे एक बार तो एटलस आप है ना हिमालय पे चले जाओ या सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट पे चले जाओ और यदि आपका डगमगा नहीं लगे सांस और आपको लगे भाईडा नहीं छी जा मैं तो कहीं करा एक बार जय तेजो जी बोल दो भाई साहब पर्वत कहीं है अविजाज मणिवाला तो आपको क्या बोलना है जय तेजोजी की लिख दो कमेंट बॉक्स में आज सभी जने है ना यहां पे तेजो जी की जय लिख दो उनका आशीर्वाद से अपना सिलेक्शन होना चाहिए तो तेजो जी का नाम लो और पर्वत पे भी सर, सर चढ़ जाओ पर्वत को भी यदि तोड़ता है दशरथ मान जी तो पर्वत पे चढ़ने के लिए हम बोलते हैं जय तेजा जी की तो जय हो तेजा जी की पर्वत शर पर्वत पर शर सर चढ़ जाओ तेजा जी का नाम लो अब सुनो 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 पर्वत में बड़ी कहानी है पर्वत पहले नागौर में आता था लेकिन अब नागौर से हो गया बीच में डीडवाना और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब उन्होंने कहा इससे क्या होगा अब इसमें बढ़ कुछ अमर है ठीक है हाँ तो ये मतलब सर हम क्या टिक करें भाई देखो तीनों तो आने से रे ठीक है अब आपको इसमें से तीनों ध्यान रखना क्योंकि देखो कोई अभी पता नहीं है क्योंकि अभी जब से जिले बने ना जब से कोई एग्जाम नहीं हुई तो एक्सपीरियंस क्या बताए कोई बच्चे पूछते हैं सर क्या आएगा तो भैया एग्जाम अभी हुई नहीं है लेकिन आपको तीनों में याद करा देता हूं पहले नागौर मानते थे ठीक है अब उसके बाद नागौर से डीडवाना हुआ और अभी फिलहाल ये कुचामन हुआ था जो नए तीन जिले और मालपुरा और उसमें हुए तो अभी वर्तमान में कुचामन सिटी है तो तीनों ऑप्शन में आए तो सही होगा लेकिन यदि नहीं आए ना आप कुछाम पढ़ के गए तो नागौर होगा तो आपको तीनों ध्यान रखना है यह है तो इसमें आ जाएगा आगे वाला अक्षर ले लो तो ना डी कू ठीक है तो यदि किसी ने कहा नाडी में कूदना है जैसे गांव में होता ना जैसे सावन भादवा आता है और गांव में खूब नाडिया तड़ाबे है और नाडी में कोई कूदता है डर लगता है जैसे जोर से कूदते ना हम भी खूब कूदे हैं मजे लिए हैं ठीक है, है तो नाडी में कूद रहा है लेकिन डर लग रहा है ठीक है तो तेजा जी का नाम लो और तू कूद जा किए नहीं है बाबू वचाई ठीक है तो नाडी में कूद नाडी में खुद और बोल दे जय तेजाजीरी जीरी थारे की नी भाई साहब जी के बाली बाको नहीं है मारे कह दियो तो नाडी में खुद और तेजा नाम ले ले कि नहीं है या पच के ना डीकरा ना ना डीकू ना डीकू ना डीकरा ना ठीक है जो आपको सेट याद हो जाएगा नागौर पहले था बीच में डीडवाणा और अभी ये अपडेट है ठीक है तो नाडी में कूद जा तेजाजी नाम लेन, कुछ नहीं होगा आराम से रहेगा तो अब नागौर है डीडवाणा कुचाम नागौर है तो इसमें नागौरी पशु जो है वो ज्यादा आते हैं वैसे किसी को मना ही नहीं है कोई भी आए ना अब आएगी इसकी तिथि यह भी श्रावण की पूर्णिमा से है तो गोगो जी और तेजो जी का पशु मेला सेम डेट में चालू होता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद भाद्रपद की की अमावस्या अमावस्या तक ही रहता है। भाद्रपद की ये 15 दिन ही रहता है है दिन इन्होंने कहा भाई मेरे को तो जाना पड़ेगा है ना जैसे ये स्टोरी बनाते हैं जैसे तेजो जी और गोगो जी मान लो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे ठीक है दोनों लोक कल्याण कार्य में लगे हुए थे गायों की रक्षा के लिए इनका विशेष योगदान था ठीक है तो अब यहां पर जैसे दोनों लोक कल्याण में गए तो गोगो -गो जिनका मैं तो महीने भर पूरा लोक कल्याण में तेजा जिनका भाई मेरे को तो वापस जाना पड़ेगा पंद्रह दिन रूंगा तो दोनों श्रवण भादवा से है लेकिन ये पंद्रह दिन है वो पूरा महीना है तो एकदम अच्छे से याद हो गया हां स्क्रीन शॉट लेते रहो एकदम अपडेट है ट्रिकों के साथ है तेजा जी का नाम लो पर्वत पे सर सर चढ़ जाओ तेजाजी का नाम लो पर्वत पे सर चढ़ चढ़ जाओ नाडी में कूद भले की दिक्कत नहीं आवे तेजाजी थारे की नहीं होंदे नाडी में भले कूद जा नाडी में कूद जा या ना डीकरा ना ना कूदे ठीक है और उसके बाद में क्या है सावन भादवा गोगा तेजा आओ इधर चार हुए ना दो तो कौन सो गए चैत्र में बम फोड़ते हैं लास्ट में पूरा रिवाइज करेंगे तो ये है जब जब आपको श्रावण और भादवा मैं भादवा लिखूंगा जानबूझ के ताकि इसमें एक फील आता है सावर्ण भादवा में फील आता है भादवा भाद्रपद है ठीक है सावर्ण भादवा में लोग क्या करते हैं गांव के अंदर फुल पानी होता है क्योंकि मानसून होता है तो मानसून में क्या करते हैं नाडियों में गोते खाते हैं तो सावर्ण भादवा में गोते खाते हैं बढ़िया तैरते पानी फुल होता है ठीक है गो से आ जाएगा गोगोजी ठीक है इसको जानबूझ के लिए मैं लिखूंगा गोगोजी ठीक है और यहां पर क्या आ जाएगा तेजाजी तो भादवा, गोगा तेजा सवर्ण भादवा गोगा तेजा दो बार मेरे साथ बोल दो मैं कह रहा हूं लाइफ टाइम ये शब्द आपकी है ना दिमाग में गूंजेंगे और जिस परीक्षा में जाओगे गोगो जी, जी का आशीर्वाद मिलकर सही हो जाएगा सेट हो जाएगा ठीक है तो सावन भादवा गोगा तेजा सवर्ण भादवा गोगा तेजा सवर्ण भादवा में लोग नाडी तालाब में आराम से तैरते हैं नाडी में कूद नागो डी और कुछ फिर गोल गोल लड्डू नहीं गोल गोल क्या है तो सवर्ण भादव आ गया तो ये देखो गोल से क्या जाएगा पूर्णिमा फिर वापस गोल है तो पूर्णिमा से पूर्णिमा गोल गोल पूर्णिमा का चांद है यह पूर्णिमा से अमावस्या तक ही है गोगा जी तो पूरे एक महीने तक बाहर रहते हैं लेकिन यह तेजा जी कह भाई अपने तो वापस जाना पड़ेगा और भी लोग कल्याण करने पंद्रह दिन है तो सवर्ण भादवा गोगा तेजा सवर्ण भादवा गोगा तेजा गोल गोल लाडू पूनम का चांद पूनम से पूनम है तेजा जी पूनम से अमावस्या है एक महीना है पंद्रह दिन है प्रत्येक चीज में एक लिंक क्रिएट किया जा रहा है लास्ट में सवाल और करा के जाऊंगा यानी आज आपको पशु मेले एकदम चकाचक याद करा के ही मैं क्लास बंद करने वाला हूं ठीक है तो बताओ क्या आपको सावन भादवा गोगा तेजा याद हो गया क्या हाँ साथ साथ कमेंट चलते रहे साथ साथ कमेंट चलते रहे और शेयर करते रहो ताकि यहां पर हर बच्चे को इसका लाभ मिल सके पक्का सवाल आएगा एक ऐसी आज तक की कोई परीक्षा नहीं हुई एनिमल हस्बेंडी की जिसमें यह नहीं आया है ना चलिए अब चलते हैं आगे नंबर पांच पे नंबर पांच फिर बाद में दिखाऊंगा लिस्ट है ना लिस्ट बाद में देखेंगे नंबर नंबर अब थोड़े थोड़े टफ आ जाएंगे अपने आप को गंभीर कर लेना है ना अच्छे से क्लास को ऑफलाइन वाला बच्चा देखते ना ऐसे वैसे देखना कार्तिक पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला अभी वीडियो एग्जाम में चंद्रभागा शायद आता रहता है तो चंद्रभागा और आपके कौन सा है यहां पे कार्तिक दोनों इनकी तिथि बड़ी खतरनाक है।, है ना सुनो तो कार्तिक पशु मेला तो नाम से देखो ये कार्तिक में बढ़ता है लेकिन कार्तिक में डेट बताओ थोड़ी डेट तिथि थोड़ी इसकी तब है कार्तिक पशु मेला तो कार्तिक पशु मेला जो है कार्तिक पशु मेला कहां पर है तो देखो कार्तिक में लोग कहां जाते हैं जैसे गांव के अंदर जो बूढ़ी अपने अम्माएं होती है जो है ना लोग होते हैं है ना वृद्ध लोग होते हैं वो पुष्कर जाते हैं कार्तिक बड़ा महीना मानते हैं अभी आने वाला है उसमें पुष्कर जाके उस कुंड में गिरते हैं मतलब वहां पर डुबकी लगाते हैं और ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं तो कार्तिक जो है कार्तिक में लोग कहां जाएंगे पुष्कर कार्तिक में लोग कहां जाते हैं पुष्कर और पुष्कर कहां पे है अजमेर में है ये तो कोई चेंज नहीं हुआ ना भाई हाँ दो ही जिले चेंज हुए हैं दो ही अपने पशु मिले ठीक है चलो कार्तिक में अब अजमेर में कौन सी है गिर इसमें गिर नस्ल के पशु बहुत अधिक आते हैं तो इसमें ज्यादातर गिर नस्ल के पशुओं की बिक्री होती है और इसके अंदर जो है

सात दिन मेरे को टाइम नहीं है अभी सात दिन ऑफिस का काम रहता है शुरुआती है ना सात दिन मैं एक बार ऑफिस का काम करूंगा आठवें दिन तेरे को लेके जाऊंगा है ना आठवें दिन लेके जाऊंगा और जब आठवे दिन से पूर्णिमा आ जाएगी ना उसके भी दो दिन और रखूंगा तेरे को यानी कि कार्तिक के बाद आता है मिक्सर मार्गशी ठीक है तो तू टेंशन मत ले पूनम के बाद भी दो दिन अजमेर अजमेर घुमा के लाऊंगा तेरे को लेकिन जाएंगे तो अच्छे से जाएंगे ठीक है तो कार्तिक ने क्या बोला माता जी को के मेरे पास सात दिन माँ टाइम नहीं है सात दिन थोड़ा ऑफिस का काम जैसा अपन कहते हैं ना अपने घरों में कि हाँ मम्मी थोड़ा काम अभी ज्यादा है मैं कल परसों आ जाऊंगा या पिताजी कोई काम कहते तो थोड़ा अपन कोई ऑफिस और देखो कार्य भूमि को सभी जने घर परिवार उससे भी इंपॉर्टेंट अपनी कर्म भूमि होती है अपना ऑफिस होता है तो उसको भी अपने को समय देना है ऑफिस के साथ घर गोवि तो कार्तिक दिन मां ऑफिस के लिए टाइम है आठवें दिन चलेंगे अब सुनो आओ इधर कार्तिक में देखो कार्तिक तो नाम ही आ गया ना तो ये कार्तिक कार्तिक में आटम अष्टमी से मार्ग शीर्ष मिक्सर मार्ग शीर्ष मार्ग शीर्ष जिसे जनरल भाषा मिक्सर कहते हैं दूज तक होगा अब मैंने आपको पहले ये झंझट खत्म कर दिया सिर्फ दो ही पशु मिले हैं जो कृष्ण पक्ष में कौन कौन से मामा कृष्ण मामा ठीक है मल्लीनाथ और महाशिवरात्रि तो ये कार्तिक गोरा है तो शुक्ल से चालू होता है और कृष्ण तक आता है कार्तिक के पास में सात दिन टाइम नहीं है तो आठवें दिन ले जाता है और आठ से नम दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पूर्णिमा पूर्णिका के बाद पुष्कर का मेला पूरा होने के बाद दो दिन अजमेर और घुमाता है मार्ग शीर्ष करता है मां के मार्ग शीर्ष पर ले जाता है जब वो अपनी माता जी को घूमने ले गया तो उसका मार्ग शीर्ष करके द्वितीय तक ले जाया ठीक है ओके है भाई ये लो ये लो साहब आपको पर भी करवा दिया एकदम चकाचक फोटो खेंसे रहना क्योंकि किताब में लिस्टें मिल जाएगी ये चीजें नहीं मिलेगी इस तरह से हाँ फॉर्म जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है देखो ऐसा है एग्जाम डेट आ गई ना बोर्ड ने एग्जाम डेट क्लियर कर दी है तो फॉर्म से क्या करना आप तैयारी करो ना हां अभी डाउट कब होता है जब एग्जाम डेट नहीं आती तो थोड़ा सा डावाडोल होता है एग्जाम ने छह तारीख को लगाया था शायद ये तीस नौ तारीख को हां छह को नोटिफिकेशन आया और नौ को पीछे के पीछे उन्होंने बोला ये एग्जाम मई जून में होगी और मैं आपको विभाग की तरफ से बताऊं बहुत जरूरत है परीक्षा की इसलिए ये मान के चलो चॉइस में नौकरी आने वाली है अब क्या होगा थोड़ा सा बीच में ये आ गया कि साहब डेट पोस्टपोन होगी तो कई और भर्ती कैंसिल हो गई ये कैंसिल हो गया कुछ कैंसिल हुआ है डेट आगे बढ़ी है कई एग्जाम के आगे बढ़ी है ठीक है हाँ चलो कार्तिक के बाद में आते हैं कौन से भाई साहब और खतरनाक है पीक टाइम है एकदम ढंग से देखना चंद्र भगा चंद्र भगा पशु मिला ठीक है अभी दो एग्जाम में ये आया हुआ है चंद्रभागा एक तो शायद अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था और एक कोई क्योंकि बच्चे बताते हैं हमें तो ठीक है सर ये वहां पे आया ये वहां पे आया चंद्र भगा भी थोड़ा टफ है तो चंद्र दो पशु मेले एक ही जगह पे है झालरापाटन झालावाड़ झालरा पाटन झालावाड़ ठीक है चंद्रबागा और गोमती सागर ये दोनों पशु है पशु मेले जो है वो है झालरापाटन में झालरा पाटन जो है वो जगह है कहां पे झालावाड़ में तो झालरा पाटन भी आ सकता है झालावाड़ भी आ सकता है सर दोनों आगे तो ऑब्वियसली झालरा पाटन होगा ठीक है फिर आता है यहां कौन से तो ये एमपी से अटैच एरिया है ये मालवी इसमें नस्ल के पशु आते हैं साहब ये सब ढंग से कर लेना क्वेश्चन आएगा मालवी नस्ल के पशु इसमें ज्यादा आते हैं और इसकी तिथि बड़ी खतरनाक है कोई खतरनाक नहीं अभी आपको मैं याद ही कर सुनो 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 कार्तिक में दो पशु मिले आते हैं कार्तिक में दो पशु मिले आते हैं इधर देखे कैसे याद करेगा कार्तिक अब आने वाला है है कार्तिक जैसे अभी आज आज की बात करें तो आज, है ना श्राद्ध का लास्ट दिन है अब कल से होंगे अपने नवरात्रि प्रारंभ नवरात्रि के बाद जैसे ही ये कार्तिक मतलब दिवाली के आसपास आता सावे आवे यानी शादी ब्याह और ये जो अनेकों अनेक शुभ कार्य चालू हो जाते हैं है ना तो यहां पर कार्तिक में शादी ब्याह ज्यादा होता है आपको पता होगा सर्दियों में होती है शादी ब्याह चौमा के बाद होती है चौमासे में तो करते नहीं है ठीक है अब कार्तिक जो माह है उसमें लोग शादी ब्याह में बहुत जाते और शादी ब्याह में जाते हैं तो बेटे मेकअप वेकअप करके जाते हैं ना लुगया तो एक एक घंटे कास नहीं छोड़ती है और आदमी भी आजकल तो काफी दुनिया भर के नाटक करते हैं कोई मूछे सेट करता न, कोई डाढ़ी सेट करता करना भी चाहिए साहब ब्याह में बढ़िया फूट लगे ठीक है तो कार्तिक में कार्तिक में लोग शादी ब्याह में जाते हैं कांच देख देख के कार्तिक में शादी ब्याह में जाते हैं कांच देख देख के तो कार्तिक में दो पशु मिलाते आते हैं काच कार्तिक में कौन से हैं काच कौन से हैं काच का से खुद कार्तिक पशु मिला ठीक है और च से क्या है चंद्रभागा पशु मिला चंद्रभागा की थोड़ी डेट टफ है बाकी कुछ नहीं है अब कार्तिक ने क्या बोला अपनी माता जी को मम्मा टाइम नहीं है लेकिन मैं आठ से लेकर दूस तक है ना मैं दर्शन करा दूंगा लेकिन अभी थोड़ा ऑफिस काम अब सुनो इसके अंदर यदि आपको कार्तिक वाला याद है आठ से द्वितीय याद है ना कार्तिक कौन सा था अष्टमी से द्वितीय इसके तीन दिन आगे कितने दिन तीन दिन मात्र इस मेले से तीन दिन आगे यानी पहले यहां आता है और तीन दिन बाद यहां के लिए कुछ करता है तो आठ से दो आठ में तीन जोड़ो नौ दस ग्यारह एकादशी से दो में तीन जोड़ो दो में तीन पांच पंचमी तक ठीक है तो वापस देखें कार्तिक में लोग क्या देखते हैं काच देखते हैं कार्तिक में क्या देखते हैं काच देखते हैं का खुद कार्तिक चौसी चंद्रभागा कार्तिक के बाद सात दिन टाइम नहीं है कार्तिक के बाद सात दिन टाइम नहीं है आठवें दिन वो अपनी माताजी को लेके गया और मार्ग के द्वितीय तक उन्होंने माताजी को अजमेर पुष्कर सब जगह दर्शन कराए उसके बाद तीन जोड़ देना यदि आपको कार्तिक आता है तो तीन और जोड़ देना चंद्रभागा आ जाएगा आठ से तीन ग्यारह और पांच ओके है भाई हाँ वन के करो फटाफट इसको शेयर करके है ना हाँ इतना शानदार चैप्टर इतने ट्रिक्स है और ये अटका हुआ है आठ सौ नौ सौ हजार पे बटा वन के और आज तो उड़ाओ इसको ताकि मुझे भी थोड़ा सा इसका जोश बढ़े और इसको और ट्री के बताए ठीक है फटाफट क्विक कर लो तो कार्तिक है काच देखता है कार्तिक में लोग काच देखते हैं और कार्तिक सात दिन टाइम ने आठ से लेकर दूस तक करते हैं और तीन दिन बढ़ा दो ग्यारह से पांचम तक है दोनों इस शुक्ल पक्ष में हैं मैंने आपको पहले ही कर दिया है क्लियर कि कौन ले कृष्ण पक्ष में कृष्ण मामा कृष्ण मामा शिवरात्रि मा, और मल्लिना दो ही जो है कृष्ण पक्ष में बाकी सब शुक्ल पक्ष में ओके है भाई हाँ अरे बोलो अरे एक एक याद करा दूंगा एक एक सुनो अभी एक बीच में कमेंट के एक बच्ची ने पता नहीं है कि सर ट्रिक भूल गए तो आप आधे घंटे तक अपने आप को या कॉन्सेंट्रेट कर लो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप तो बात करते भूलना भूल जाओगे ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आज नहीं पढ़ा रहा आप सोच रहे सर आप तो जी के पशुपालन वाले हो जी के ये जी के नहीं है ये एल एस से भर्ती परीक्षा में हर साल ही आता है और इसके भूमिया कहे जाते हम ठीक है हाँ तो आप निश्चित रहो आपको गारंटेड याद रहेगा लाइफ टाइम याद रहेगा ये लेकिन आप पॉजिटिव मन से बैठे हो और अच्छे से बैठे हो और कमेंट पे कम ध्यान दो पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दो मेरी गारंटी है लास्ट में क्वेश्चन करा के जाऊंगा आपको यहां पे भले ग्यारह बजाय लेकिन तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं ध्यान रखना ठीक है हाँ ओके है भाई रेडी है ना हा तो कार्तिक ये है तो कितने हो गए भाई टोटल छे अब इधर डेट बताओ आप खुद बताओ डेट आप बताओ डेट क्या है चंद्रभागा चंद्रभागा है तीन दिन आगे तो कार्तिक में है कार्तिक में है आठ में कौन सा था कार्तिक तो ये तीन दिन आगे तो ये ग्यारह से लेकर ये भी मार्ग शीर्ष तक है मार्ग शीर्ष में ये कहा तीन दिन आगे पंचमी तक ठीक है तो कार्तिक जिसको याद है तीन दिन इतना जोड़ दे इतना तो कर लोगे ना हाँ ये लो ये लो साहब आपका ये भी हो गया चंद्रभागा भी कितने हो गए छ कितने हो गए छ अब बच्चे हैं कितने चार उसके बाद चलेगा इसका रिवीजन है, रिवीजन है रिवीजन, रिवीजन? सवाल से आज दस बार इसको करा के जाऊंगा बस हाँ अब यहां पर ये लो साहब ये हो गए छे कितने हो गए छे तो एक बार मैं वापस लेके आता हूं सबको सुनो मैंने कौन कौन से पढ़ा दिए हैं चैत्र में क्या फोड़ते हैं बम चैत्र में क्या फोड़ते हैं बम 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 बोले चैत्र में बम उसके बाद आओ सावन भादवा अरे सावन भादवा गोगा तेजा सावन भादवा गोगा तेजा सावन भादवा में क्या होता है गोगो गो जी और तेजो जी आपको हालांकि आगे जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी कार्तिक में कार्तिक में क्या करते हैं कार्तिक में काच बहुत देखते हैं लोग शादियों में जाते हैं कार्तिक में काच बहुत देखते हैं तो ये आपको सारे याद करा दिए चैत्र चैत्र में कब है एक से लेकर पंद्रह तक ग्यारह से ग्यारह गो गो जी गोल गोल पूनम से पूनम पूनम कार्तिक सात दिन टाइम ने आठ से लेकर ये उसके बाद अब सुनो यह मैं अभी नहीं लिख रहा हूं पूरे दस में बता रहा हूं इसमें एक बार यदि अपन देख इसको तो यह क्या है यह आपका है एक से लेकर पूर्णिमा तक ठीक है इसमें कब है ग्यारह से ग्यारह तक ठीक है ये गोल गोल पूनम से पूनम तक ये पूर्णिमा से पूर्णिमा क्योंकि तिथियों का ही जो झंझट था मैं खत्म कर रहा हूं और ये क्या है ये पूर्णिमा से अमावस्या तक ये पूर्णिमा से अमावस्या तक सिर्फ उसको याद नहीं होगा जो ढंग से नहीं अटेंड कर रहा बाकी गारंटेड याद होता आज तक होता है तो क्यों नहीं याद होगा कार्तिक वाला है कार्तिक अब सात दिन टाइम ने आठ से लेकर दूस तक वो मार्क्सिस आ जाएगा ठीक है और ये कब हो जाएगा तीन दिन आगे तो तीन दिन आगे कितना आठ में तीन जोड़ो ग्यारह ग्यारह दो में तीन जोड़ो पांच तक ये लो साहब चेंक एकदम चकाचक है बताओ इसमें कोई गड़बड़ है तो सभी जने एक ही साथ कमेंट करके बताओ क्या ये याद हुए स्क्रीन शॉट ले लो इसका फटाफट हाँ ले लो एक के सवाल कराऊंगा आज रेडी है भाई याद हो गए ना हाँ क्योंकि इसमें पशु परिचर बुक बुक पे काम चल रहा है देखो बुक ऐसे रातों रात नहीं आती है लगभग 50 परसेंट से 60 परसेंट काम हो गया है लेकिन अभी भी 40 परसेंट काम बाकी है क्योंकि मैं उसको यूनिट वाइज कर रहा हूं उसके बाद मैं उस पर करेक्शन निकालूंगा फिर उसके बाद आ, काम चलेगा यानी कि मान के चलो दीपावली आ जाएगी क्योंकि समय लगता है क्योंकि मैंने दो बुक अभी तक निकाली है एक बुक में मेरे को लगभग टाइम लग गया था चार से छह महीने कृषि पर्यवेक्षक की और एक एल मेरी चलती है उसमें भी मुझे लगभग दो से ढाई महीने लग गए थे लेकिन इसको मैं यू जल्दी निकालूगा फिफ्टी परसेंट रेडी है ठीक है हाँ। है तो आपकी 50 रड़ी है, थोड़ा काम है और आपको पता उत्कर्ष की बुक आएगी उत्कृष्ट आएगी चलिए अब आते हैं यहाँ पे छह तो ये हो गए बम फोड़ो गोगा गोगाजी तेजाजी के नाम लो काच देखो बम फोड़ो गोगा गोगाजी तेजाजी के नाम लो काच देखो अब आएगा यहां से आगे कौन सा जगो शिवराम जगो जगो शिवराम जगो जगो शिवराम जगो, जगो, जगो ये चार और बचे सर ये कौन से हैं इसमें से ज से आएगा जसवंत पशु मिला ज से जसवंत पशु मिला गो से गोमती सागर पशु मिला झालावाड़ में ये भी पाटन में है अड़ौती का सबसे बड़ा बताते इसे और ये आएगा महाशिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर है ये ठीक है और उसके बाद में आपके आने वाला है कौन सा रामदेव पशु मेला छह हुए हैं उसके बाद यह है ट्रिक बन जाएगी जगो शिवराम जगो जैसे कोई तपस्या करते हैं ना शिव जी की तपस्या करते हैं कौन करते थे शिवजी की तपस्या रावण ठीक है तो क्या बोलते हैं जगो शिवराम जगो जगो शिवराम जगो जगो शिवराम जगो, जगो जगो शिवराम जगो, जगो तो जसवंत ठीक है गोमती सागर शिव और रामदेव ये अपने बाकी रहे चार अभी इसको भी करेंगे आप निश्चित रहना मैं आपसे वादा करता हूं पूरा याद करने के बाद ही इसको बंद करूंगा याद करा के छोड़ूंगा है ना ये मेरी गारंटी है और ओपनली कह रहा हूं आप ढंग से बैठे याद होगा अब चलते हैं जसवंत पे पहले जसवंत पशु ले लें तो नंबर सेवन पे है जसवंत पशु मिला जसवंत पशु मिला जसवंत पशु मेला जसवंत पशु मेला अब सुनो, इसमें भी क्या है ये याद होगा नहीं आपको डायरेक्टली तो मैं एक आपको बढ़िया सी स्टोरी सुना देता हूं थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे जैसे राम लक्ष्मण जी को वनवास हुआ तो उनके जैसे वनवास हुआ और भरत जी आए अयोध्या ठीक है तो भरत जी ने पूछा भाई मेरे भैया राम जी और लक्ष्मण जी कहा है तो उनको जवाब दिया गया कि वो तो वनवास चले गए ऐसी ऐसी बात हुई है तो तुरंत भरत जी ने घोड़ा उठाया पहले घोड़े चलते थे और उनके पीछे वन में चले गए तो सबने रामायण देखी है ठीक है और उनको आग्रह करने लगे भैया चलो अपना आप ही राज करो मैं तो नहीं करूंगा फिर उनके चरण पादुका यानी कि उनके जो है वो है ना जूते उनको रखा और उनकी पूजा करके चरण पादुका बोलते हैं संस्कृत में या अपने नॉर्न वाली भाषा में बोले तो कुछ एग्जैक्टली नहीं पता मुझे लेकिन वो लेके गए अब सुने जैसी भरत जी राम लक्ष्मण के पीछे गए वन में ठीक है तो लोगों ने उनको जस दिया होता ना मारण क्या जस दिया है ना क्या दिया जस बोला साहब मतलब क्या भाई है भाई हो तो भरत जैसा लोगों ने जस दिया वाह भाई हो तो भरत जैसा और भरत जी क्या लेके गए अश्व लेके गए घोड़ा लेके गए पहले कौन से यहां पे ओला उबर चलती थी या कौन सी कोई गाड़ियां चलती थी अब सुनना जस लिया भरत जी ने जस किसने लिया भरत जी ने भाई हो तो भरत जैसा भरतपुर अरे अब लास्ट तक बैठे तो रहो देखो जस लिया भरत जी ने ये भरतपुर में भरतपुर अपना में जिला ही है है ना फिर इसमें है भरतपुर कहां से टच है हरियाणा से तो इसमें हरियाणवी पशु मेले आते हैं हरियाणवी और कभी कभी मेवाती भी क्योंकि उधर ही है ये है ना हरियाणवी मेवाती नस्ल के पशु इसमें ज्यादा आते हैं तो जो संबंधित एरिया है ना वहां आते हैं ठीक है थीके? अब आता इसके अंदर डेट सुनो डेट कैसे है तो जस लिया भरत जी ने ढंग से अटेंड करना भाई सुनना जस लिया भरत जी ने जब राम लक्ष्मण पीछे गए और क्या लेके गए अश्व तो में ढंग से सुना जस लिया भरत जी ने जस लिया भरत जी ने क्या लेके गए अश्व क्या लेके गए अश्व अब सुनो भरतपुर में कितने शब्द है पांच भरतपुर में कितने शब्द है पांच तो ये पंचमी से कहां से पंचमी से है ना आगे जाएंगे चौदह तक पांच के दो टुकड़े करो पांच के एक और चार वन प्लस फोर तो पांच के दो टुकड़े कर दो वन प्लस फोर वन प्लस फोर तो ये पंचमी से चतुर्दशी तक होगा और शुक्ल और कृष्ण का पहले ही मैंने झंझट खत्म कर दिया है कृष्ण मामा कृष्ण मामा मल्लीनाथ और महाशिवरात्रि बाकी सब शुक्ल है मैं कह रहा हूं ना आज के बाद ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा कृष्ण है कौन सा यह है तो बताओ वापस जस लिया भरत जी ने जस लिया भरत जी ने और भरत जी जो है अश्व लेके गए भरतपुर में पांच शब्द है पांच पांच के दो टुकड़े करो एक और चार हर चीज याद भरतपुर हरियाणा है और भरतपुर अलवर को मेवाती क्षेत्र बोलते हैं तो इसमें हरियाणवी और मेवाती आते हैं ठीक है हाँ। तो ये लो साहब आपके जसवंत पशु मेला लेते रहना और लास्ट में बने रहना मैं आपको इस पर आज ही पच्चीस से तीस सवाल कराऊंगा पशु मे की ये एकदम कंप्लीट क्लास होगी मतलब इसको अटेंड करने के बाद पशु मेला आपको कहीं नहीं पढ़ने ठीक है हाँ रेडी हो गया भाई अरे बोलो चकाचक हो गया ना चलिए आगे चलते हैं आओ इधर नंबर आठ पे आ जाओ नंबर आठ पे कौन सा था जगो शिवराम गोमती सागर अब आएगा मजा भाई साहब आपको अब आएगा यहाँ पे गोमती सागर है ना पशु मेले की डेट याद नहीं होती है आज के बाद तिथिया जो है वो याद हो जाएगी क्योंकि वो थोड़ी दुख देती थी सुनो गोमती सागर इसकी एक ट्रिक बनाते हैं एक वर्ड बनाते सुनो गोमती और चंद्र दोनों भाग गए ठीक है और किसी का नाम हो तो माफी चाहता हूं ये तो स्टोरी का पार्ट है ठीक है हाँ इस वह कहते ना साहब कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है ठीक है अब सुनो गोमती चंद्र के साथ भाग गई ठीक है तो पहले तो मोबाइल नहीं उतर थे तो गोमती उधर थी चंद्रित तो चंद्र ने इशारा किया हाँ भागे क्या झाला किया ठीक है झाला समझ तो ना झाला मतलब इशारा गोमती को चंद्र ने झाला किया कि भागे क्या हाथ तो गोमती ने बोले थोड़ा सा माल लेके घर से भाग जाती हूं तो सुनना गोमती चंद्रभागा दोनों के दोनों झालावाड़ में हैं कभी आपसे पूछे गोमती गोमती और चंद्रभागा गोमती को लेके कौन भागा चंद्रभागा गोमती को लेके कौन भागा चंद्रभागा अरे गोमती को लेके कौन भागा चंद्रभागा कैसे भागे ये दोनों इन्होंने झला किया क्या किया झला किया दोनों ने झला किया और ये माल लेके भागे ये घर से निकले तो माल लेके भागे ऐसे करके और ध्यान रखना इसके दोनों के झालरा पाटन भी सेम है झालरा पाटन भी सेम है यानी कि दोनों की जगह सेम है एक साथ एक के साथ एक फ्री एक के साथ एक फ्री गोमती गोमती को कौन लेके भागा चंद्र लेके भागा गोमती को चंद्र लेके भागा झला करके भागा और मां लेके भागे सुन्ना गोमती और चंद्रभागा दोनों के दोनों पशु मेले कौन सी जगह बढ़ते हैं झालावाड़ झालावाड़ में कहा बढ़ते हैं झालरापाटन और इसमें कौन से पशु आते हैं मालवी नस्ल के पशु आते इतनी चीजें आपके एकदम सेट हो गई है हो गई ना भाई अरे बोलो इतनी बढ़िया बढ़िया ठीक है बता रहा हूं और आप यहाँ पर जो है कमेंट कम कर रहे हैं है ना हाँ कुछ खास कमेंट करो अब आओ यहाँ पे बताओ गोमती है गोमती का कौन सा है झलरा पाटन रहा पाटन ठीक है जो अपना किसका था चंद्र भागा दोनों की जगह सेम है गोमती चंद्र भागे क्या लेके भागे माल लेके भागे जब भागेंगे तो खाएंगे क्या तो इसमें मालवी नस्ल के पशु इसमें मालवी नस्ल के पशु अधिक आते यूं तो देखो मने किसी को नहीं है भाई हर कोई आओ ना यहाँ पे मेले में कौन मना करे अब आओ इधर डेट वाइज बड़ा इश्यू है भाई इसकी डेट याद नहीं होती है और मैंने जिम्मा लिया है आज आपको पूरा याद कराने का ठीक है करा दू सुनो फिर एक और स्टोरी आज तो मैं कहानियां सुन सुन के मजा आ जाएगा इधर तो इंडिया जीती है और इधर खुशी का माहौल है इधर परीक्षा भी आ गई है मतलब मई जून आएगी और क्या है भाई आठ महीने है तो देखो उत्कर्ष है ना ऐसे नहीं करता है कि एग्जाम आया और दो महीने में तैयारी करा दी नहीं अब आपके देखो क्या है मैं बताऊं पशु परिचय की परीक्षा को लेकर हमारा प्लान थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं जैसे अब कल से परसों से बैच चालू है ऑफलाइन ऑनलाइन सारे चालू है यूट्यूब भी चालू है तो डेड आधा महीना थी अक्टूबर नवंबर दिसंबर ढाई महीने जो अभी जाएगा दिसंबर में फ्री हो जाएगा फ्री हो जाएगा अब उसके बाद जनवरी के आसपास फॉर्म चालू हो जाएंगे जैसे आचार संहिता आरती है या बीच में हो सकता है तो वो जनवरी फरवरी में कैसे तैयारी करेगा एमसीक्यू चलेंगे यानी कि इसी भर्ती के एमसीक्यू कराए जाएंगे तो दो महीने एमसीक्यू मान लो तो जनवरी फरवरी एमसीक्यू मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल में धुएदार वापस एक क्रैश कोर्स फ्रॉम स्टूडियो चलेगा स्टूडियो से आपको मात्र बहुत मात्र बहुत न्यू तो तो मना कौन है ना तो यहां पर ऐसी एक प्लानिंग चार पांच बार कोर्स हो तब जाके सेलेक्ट होते आप ऐसे मत सोचो रातों रात पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा हम पढ़ा देंगे लेकिन उसका रिवीजन भी करना पड़ेगा तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें चार से पांच बार कोर्स करें ठोक बजाकर अच्छे से तभी सेलेक्ट होते हैं इसलिए आप इसकी पूरी हमने प्लानिंग कर रखी है अब आओ इधर गोमती सागर की स्टोरी बताने थी बीच में कुछ बात आ गई अब सुनो गोमती चंद्र भागे सुनना गोमती चंद्र भागे अब चंद्र तो देखो यार आदमी है तेज भागा गोमती से भागा नहीं गया गोमती से भागा नहीं आ। तो थोड़ी भागी और नीचे, गिर अब नीचे गिरती है तो, लगी। लगी तो, मतलब तो, तो, तो चंद्र ने बोला वो वैसा के के भाग ले तो वैसा गिरी और वैसा की चंद्र ने कहा यार ये तो खोड़ी हो गई और खोड़ी लु गई किसको बढ़िया लगे ठीक है खोड़ी हो गई तो उसने कहा गोमती को डराया गोमती देख मेरे साथ भाग तो रही है लेकिन तेरे पांच काले काले जेठ है जो बहुत रोटियां खाते हैं तेरे को बहुत रोटी करनी पड़ेगी ठीक है तो कैसे सर्वाइव करेगी अब गोमतीन का गई तो भागी अब रोटी बनाओ करो लेकिन हम मैं तो हाल हूं ठीक है लारो पकड़ लियो अब उसने कहा अब मैं तो चलूंगी तो वैसाख में आता है तो वैसाखी तो गोमती किस में बागी वैसाखी पे तो यह आता है वैसाख में तो गोमती वैसाखी पे बागी ठीक है वैशाख में कब से तेरस त्रियोदशी से है ना कृष्ण पंचमी तक अब भाई साहब बड़ा टास्क हो गया सर ये कैसे याद करें करा दू हां तो गोमती वैसा की भी ठीक है जब गोमती वैसा की भागती देख उसने किसने चंद्र ने उसको डराया कि तेरे तेरा में तेरे काले जेठ है वो भी पांच पांच जैसे एक बीच में गाने गाना आया था ना आपके वो मेरे रे सास के पांच पुत्र है है ना वैसे नया गाना लॉन्च किया मैंने वो क्या किया गया है तेरे रे तेरे रे जेठ रे काले रे पांच है तेरे काले काले जेठ पांच है तू रोटी कैसे बनाएगी गोमती तू तो वैसा की भागी लेकिन अपना तो काम हो गया ना तो बताओ गोमती जब चंद्र के साथ भागी तो गिर गई किस पे वैसा की पे चली वैसा की पे और गोमती को क्या चिढ़ाया गया तेरे रे काले रे पांच रे जेट है वो गाड़ा ना तेरे रे काले पांच रे, रे जेठ है तो तेरे काले जेट और पांच भाई साहब एक बार कलेक्शन देखो ना यार आप मान जाओगे तेरे काले कितने पांच पांच तेरे काले पांच जेठ है गोमती रोटी कैसे करेगी गोमती ने बोला रोटी करनी रोटा करना मैं तो झावड़ पड़ी सा ठीक है हां तो तेरे काले पांच जेठ है ये इतनी टफ डेट है अब तो कितने मैंने एक नॉर्मल अंदाज में इसको करा बाकी ये याद रहे क्या है ना पंचमी जेठ हैं मिक्स हो जाए लेकिन अब जिसने सुना है वो नहीं भूलेगा लेकिन फिर भी एक बार वापस बता देता हूं कभी भी आए गोमती सागर तो कौन से महीने से है वैसाख से क्यों वैसा की बागे वैसाख में कब से है तेरे से है ना है ना तेरे फिर कहां तक चलेगा काले पांच जेठ कृष्ण ज्यो पंचमी तक ठीक है ये रहेगा ओके है भाई अरे बोलो तेरे रे काले रे पांच जेठ है गोमती क्या वैसा के भी तो करेगी लेकिन अब तो ये जाएगी जाएगी ओके है आओ इधर अभी तो खेल बहुत बाकी है अब आओ जगो शिव राम जगो शिव जी आगे भैया जय हो शिवजी महाराज की महाशिवरात्रि की ठीक है शिव जी काले हैं गोरे हैं शिवजी कैसे हैं शिवजी कैसे हैं श्याम वर्ण हैं ठीक है काले हैं इसलिए शिव जी करोली में हैं शिव जी काले हैं इसलिए कहा है करोली में है श्याम वन है ठीक है आओ इधर उसके बाद शिवजी जो है करोली करोली जो है करोली किधर है इधर ये ना हरियाणा के अदर है भरतपुर हरियाणा तो इसमें भी हरियाणवी नस्ल के पशु ज्यादा आते हैं इसमें भी हरियाणवी नस्ल के पशु ज्यादा आते हैं ऐसे तो कोई भी आए तो कौन मना करे ठीक है हाँ उसके बाद इसकी डेट कैसे याद करेंगे तो सर करा दो है? हाँ बिल्कुल करा दो करा दो क्या सुनो शिव यदि आपने अपने जो इंडियन कल्चर में एक दुआ सुना होगा गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः यदि गुरु ले और उसको शिष्य का कल्याण करना है भाई साहब फिर वो अपना पूरा है ना जोर लगाता है शिष्य को भी लगाना चाहिए तो हमने ठाना है उत्कर्ष ने गुरु बनकर पशु परिचर के पूरे पदों को अच्छे से है ना जस्टिफाई करके उसको समझाना सही एजुकेशन देना राइट एजुकेशन देना जिससे बच्चा सफर नहीं करे और कोई भी पढ़ती परीक्षा हो तो अब सुनो गुरु की कहानी गुरु जी में पहले ब्रह्मा जी आते पहले स्थान पे है ना सेकेंड नंबर पे गुरु ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश लेकिन महेश जी ने बोला कि मैं पहले जाऊंगा यार ठीक है और शिव जी शिव जी आपने देखा होगा अच्छी मतलब फिजिक रहती है शिव जी की बॉडी मस्त रहती है वो धीरे नहीं चलते फास्ट चलते हैं शिवरात्रि याद करा रहा हूं है ना शिव जी फास्ट चलते हैं शिव जी धीरे चलते हैं फास्ट चलते हैं फास्ट तो शिव जी चलते हैं फास्ट यह आएगा महाशिवरात्रि ठीक है यह आएगा फाल्गुन सॉरी है ना यह तो आएगा आपके फाल्गुन में तो शिवजी धीरे चलते हैं फास्ट चलते हैं फाल्गुन, एफ से फाल्गुन है, फास्ट है और शिवजी ने बोला यार पहले में तो बर्मा जी आएंगे सेकेंड में जाऊंगा तो पहले बर्मा जी का स्थान है सेकेंड शिवजी का तो फर्स्ट वीक बर्मा जी एक से सात सात से चौदह सात से चौदह तक ये आते हैं लेकिन ध्यान रखना ये कृष्ण पक्ष में है ये कृष्ण फागुन में कौन से पक्ष में है क्योंकि शिवजी जो है आपको पता है कैसे हैं शिवजी और कृष्ण जी कैसे हैं श्याम वर्ण है कृष्ण तक आएंगे तो वापस करें शिवजी जो है काले है, हैं इसलिए करोली में बैठे हैं शिव करोली हरियाणा से टच है शिव धीरे चलते हैं फास्ट चलते हैं फास्ट चलते हैं शिवजी फास्ट चलते हैं और शिवजी कृष्ण है क्योंकि ये श्याम वर्ण है और शिवजी जो है सेकेंड वीक आते हैं फर्स्ट वीक नहीं आते फर्स्ट वीक बर्मा जी के लिए है सेकेंड वीक स से शिव जी वीक ये लो शिव जी कब आएंगे वीक है। स्पिन ले लेना अच्छे से चलो सर नौ तो पहुंच गए दस वे पहुंचा दो हां जगो शिवराम जगो रामदेव पशु मिला ये अभी रिसेंटली आया था किसी परीक्षा में मुझे बच्चों ने पूछा था है ना रामदेव जी रामदेव जी बरा जो है लोक कल्याण में लगे हुए हैं लोक कल्याण में है ना राम सा पीर बहुत है बोलो राम सा पीर की जय हो आज दिल से जिसने तेजा जी की जय लिखी है राम सा पीर की जय लिखी है गोगो जी की जय लिखी है भाई साहब उसको कोई रख नहीं सकता पीछे क्योंकि एक आध्यात्मिक शक्ति उसे मिलने वाली है और आज आपके सामने यदि रात के नौ साढ़े बजे अपन इधर चिल्ला के बात करे चीख के एकदम अच्छे जोर लगा रहे हैं तो आपका भी एक हक बनता है कि शेर कर दो और अच्छे से लाइक ठोक दो और लगातार इसके क्वेश्चंस तक मेरे साथ बने रहो सुनो क्या है रामदेव जी का लगे हुए हैं लोक कल्याण में है ना लोक कल्याण लगे तो उनकी माताजी जो है वो बोले तू तो लोक कल्याण में लगा है घर पे आता नहीं है और ये हर घर की कहानी मेरे घर पे भी है है ना क्या रहता है तू तो है ना सब दिन पढ़ाता रहता नौकरी करता रहता आता है नहीं है ये एक रहता है तो रामदेव जी के माताजी है वो रूठ गई ठीक है फिर रामदेव जी ने कहा यार ये तो गड़बड़ होगी तो अब इस बार घर जाना पड़ेगा तो रामदेव जी अपनी मां को मनाने गए मानासर है ना माघ महीने में ठीक है तो रामदेव जी किसको मनाने गए मां को मां को मनाने गए मानासर मानासर का है नागौर मानासर किसी को नहीं पता है नागौर माना ये देखो नागौर है ना मानासर का है नागौर फिर नागौर है तो नागौरी पशु नागौरी नस्ल के पशु जो है इसमें आते हैं नागौरी नस्ल ज्यादा आती है। फिर अब इसमें इन्होंने कहा रामदेव जी ने, राम ने कि मां इस बार मैं पंद्रह दिन घर पे रुकूंगा पूरी छुट्टी लेकर आया हूं अब पंद्रह दिन तक ये हूं तो यहां पे माघ माघ में एकम एक से माघ में एकम एक से लेकर पंद्रह यानी पूर्णिमा तक ये रुकते हैं पंद्रह दिन तो रामदेव जी मां को मनाने मानासर गए रामदेव जी मां को मनाने गए पंद्रह दिन रुके और इसमें मां ना ना से ना गोर। तो ये नागौर मा जाएगा ये पूरे दस पशु मेले एकदम लिंक से मैंने खत्म किए लेकिन पढ़ाने से कुछ नहीं होता मैंने और कहा है याद कराना पड़ता है क्वेश्चन करना पड़ता है तो अभी मैं इसकी पूरी पीडीएफ दिखाऊंगा फिर इस पर सवाल कराऊंगा और तेजम तेज चलेंगे तो बताओ क्या आपको पूरे दस पशु मेले याद हो गए हाँ सर ये तो मेरे को याद हो गया <coughs> तिथियां भी आपने याद कर दी लेकिन ये जो नस्ल है ना क्योंकि अब नस्लों का काम अभी चालू हुआ है ठीक है नस्लें कैसे रेडी करें सर नस्लें मेरे को नहीं याद होती है ठीक है तो मैं नस्लों की बढ़िया एक जोरदार ट्रिक बता दू हाँ तो सभी जने इसको लिख लेना ये लिखने के बाद अब आप लिख लेना नस्लों की ट्रिक क्योंकि पशुपालन यही से चालू होता है अभी तक तो जीके था ठीक है लेकिन जीके में दिक्कत यह आती है कि ट्रिक नस्लों की नहीं पता और नस्लों में मामला अटकेगा क्यों क्योंकि आपको यह तो याद है कौन सा दिन कहां पर है ठीक है तो इधर फर्स्ट आपके है नागोरी सुनना नागोरी नस्ल है तीन जगह कहां कहां है बलदेव रामदेव और तेजाजी नागौरी जो है वो है तीन जगह कहां कहां है बलदेव रामदेव और तेजाजी बलदेव मेड़ता में है मैं साथ साथ सा ये भी लिख दूंगा ताकि आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा बलदेव मेड़ता में नागौर में है रामदेव ठीक है रामदेव जी मानासर है और मानासर जो है वो भी कहा है नागौर में है भाई माना सर कहा है नागौर में ही पड़ता है ठीक है और तेजा जी पहले परबत सर है ठीक है है लेकिन पहले नागौर था लेकिन अब आज नाडी कूद आ जाएगा ये तो ये आ जाएगा नाडीकूद अब आपके पास जो सेट हो उसको कर देना नागौर पूछे तो ठीक डिडवाड़ा पूछे ये पूछे लेकिन अभी वर्तमान में पूछे तो कौन सा है कुछाम लेकिन ऑप्शन में नहीं मिले क्या पता नए दे दे ठीक है ये आगे नागौरी फिर आए गए यहाँ पे हरियाणवी हरियाणवी ये थोड़े कम याद आते हैं इसको ढंग से अटेंड करना भाई हरियाणवी तो हरियाणा वाले शिव जी को बहुत ज्यादा मानते हैं हरियाणा में शिव जी के भगत बहुत है हालांकि राजस्थान में क्या कमी है लेकिन उधर बोले भोले चलता है ठीक है तो हरियाणा में एक ही चलता है जगो शिव जी जगो वो शिवजी की तपस्या करते फुल जगो शिव जी जगो ज से जसवंत पशु मिला ज से जसवंत पशु मेला ग से कौन सा गुग्गा मेड़ी गोमती नहीं गुग्गा मेड़ी ठीक है और शिव से कौन सा शिवरात्रि और इनके सबके स्थान में ना आपको बताया था आगे जगह नहीं है, क्यों खराब करने है? जसवंत है चलो बढ़ सकते हैं ये लो, इसको आगे कर देते हैं ठीक है हाँ इसको थोड़ा छोटा करके लिख देंगे ये लो हम्म नाडी कूद में ये क्या है कुछ है ठीक है हाँ गोगा मेडी जसवंत वाला कहाँ है भरतपुर भरतपुर हरियाणा गोगा मेडी कहाँ पर है नौर हनुमानगढ़ नौर है नौहर सबको पता है गोगामेडी हनुमानगढ़ है मां शिवरात्रि शिवजी काले हैं इसलिए यहां बैठे कितने हो गए भाई छे कितने हो गए देखो नागौरी कहा है नागौरी बरात अब सर याद भी तो करो आप तो लिखने लग गए हैं इधर याद करा दो क्या सुनो नागोरी बैल पूरी दुनिया में फेमस है मतलब नागोरी बैल कहते हैं सबको हां नागोरी उत्तम किस्म के बैल किस में है नागोरी में ठीक है उत्तम किस्म के नागौरी बैल होते मतलब नागोरी लोग और नागौरी पशुवास्तव में तगड़े होते हैं जी इसमें कोई दो राय नहीं है ठीक है हा नागौर वाला राजी हो जाओ ठीक है तो नागोरी बैल बराते लेके आया नागोरी बैल है और बैल क्या लाएगा बरात नागोरी बराते लेके आया नागोरी बराते लेके आया बलदेव रामदेव तेजा जी नागौरी क्या लेके आया बराते लेके आया नागौरी क्या लेके आया बराते बलदेव रामदेव तेजा जी ये नागौर के तीन जिले हैं नागौर में अब हरियाणवी नस्ल पूछे ये हरियाणवी क्या हरियाणवी नस्ल है ये नस्ल के पशु है तो जगो शिवजी जगो जसवंत भरतपुर में हरियाणा से टच गोगा नोर हनुमानगढ़ हरियाणा से टच शिवरात्रि शिवजी काले हरियाणा से टच तो ये तीन हो गए कितने तीन तीन छे तीन तीन गए अब आपके कौन से हैं यहाँ पे मालवी माल, माल लेकर कौन नाटे माल लेकर कौन भागे माल लेकर भागे कौन कौन गोमती और चंद्र गोमती और चंद्र गोमती और चंद्र भागे माल लिखे ठीक है दोनों के दोनों की जगह कॉमन है दोनों की जगह क्या है कॉमन है तो दोनों का है झालरा पाटन झालरा पाटन पूछे तो कहां पर है झालावाड़ में है झालावाड़ में है झालरा पाटन ये लो साहब ये आपके कितने हो गए भैया आठ हो गए सर अभी दो बाकी है ना मैं तो छोड़ते नहीं एक कोई दो क्या है अभी आपके यहां पूछे तो तीन तीन छो आठ तीन नागोरी बराते ले आया हरियाणवी जगो शिवजी और माल लेके कौन भागे गोमती चंद्र भागे ये नस्लों की ट्रिक है पशुपालन यहीं से अटैच होता है और ये थोड़ा टफ रहता है ठीक है फोटो खेस लो अच्छे से ठीक है ना नस्लों की ट्रिक होगी कितने हो गए छे छे हो गए ना तीन है नागौरी नागौरी बरात लेकर आया हरियाणा वाले क्या करते जगो शिवजी जगो जगो शिवजी जगो और माल लेके कौन भागे गोमती और चंद्र भागे ठीक है कितने हो गए आठ आठ के बाद सुनो नोवा आठ के बाद नोवा सुनो कौन सा है हां कार्तिक कार्तिक महीने में लोक पुष्कर कुंड में जाके फिर जाते हैं तो इसकी ट्रिक क्या लिखूं लिखो क्या अब इसमें क्या लिखना है ये तो ठीक है कार्तिक में कार्तिक महीने में लोग कहां जाते हैं पुष्कर और पुष्कर जाके है ना डुबकी लगाते हैं सरोवर में ठीक है तो उसमें गिरते हैं तो पुष्कर में कुंड में गिरी पुष्कर में कुंड में गिरी अब यहां पर आता है ये 10वां 3 3 6 2 8 हो गए ये आ जाएगा आपके कौन से मल्लनाथ में तो मल्लीनाथ जो है मल्लीनाथ क्या है बाबा मल्ली बाबा क्या कहते हैं कथा कहते हैं क्या कहते हैं कथा कहते हैं सर ये बाबा क्या है बाबा में यदि पहले इसको मानते थे लेकिन अभी बालोत्रा जिला हो गया बाड़मेर नहीं हो तो बालोत्रा नहीं हो तो बाड़मेर कर सकते हैं से क्या जाएगा कांक्रेज कॉकरेज को कंक्रेज लिखे तो को कोई मना नहीं करने वाला है और था से क्या जाएगा थार पार थार पार कर सुनो कितना भयंकर क्वेश्चन है प्योर पशुपालन का जीके नहीं इसमें ठीक है थार थार नस्ल के पशु पशु किस किस मेले में में पाए जाते हैं हैं या ज्यादा आते अब कुछ थार पार कर था। अरे सोचने से नहीं आता भैया पहले से प्रिपेयर करना पड़ता जो एग्जाम में सोचता है ना वो आगे भी सोचता ही रहता है क्यों एग्जाम में आपको पता हालत कैसी रहती है ठीक है तो ये आपके पूरी ट्रिक सेट होगी एक बार ढंग से सुन लो मेरे साथ पीछे लिखा हुआ है सुनो नागोरी बैल बराते लेके आया नागोरी बैल बराते लेके आया नागोरी बैल बराते लेके आया बलदेव रामदेव तेजाजी बल आने से आदमी को मैं आ जाती है घमंड आ जाती है मेरे में बल है ताकत है ठीक है फिर रामदेव जी है रामदेव जी रामदेव जी माँ को मनाने माना सर गए माँ को मनाने माना सर गए फिर कौन से तेजाजी तेजाजी में दो है तेजाजी का नाम लो नाडी में कूदो कुछ नहीं होगा नाडी में कूदो में क्या है नागौर नागौर नहीं हो तो डीडवाना डीडवाना नहीं हो तो कुचाम सर तीनों आ जाए तो क्या करेंगे लास्ट वाला कुचाम है कुछ करो फिर तो ठीक है फिर कौन से हरियाणा वाले क्या करते हैं जगो शिव जगो जगो शिव जगो जसवंत गोगा अमेड़ी और शिव का शिवरात्रि फिर माल लेके कौन भागे गोमती और चंद्र भागे गोमती और चंद्र भागे ठीक है ये हो गए कितने तीन तीन छ और दो आठ तीन तीन छह और दो आठ हो गए ये रा नौवा गिर पुष्कर के कुंड में जाके गिरी कार्तिक महीने में कहा गिरी पुष्कर के कुंड में और मल्लीनाथ मल्ली बाबा बाडमेर बालोतरा पहले बाड़मेर हुआ करता था अभी बालोतरा है और मल्ली तल्ली वहां क्या करते कथा करते कैसे कांग्रेस था स्थार याद हुआ भाई आपने खूब क्लासेस अटेंड करी मैं तो कहता हूं सभी गुरु बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सबको सैल्यूट है लेकिन वही कहते हैं ना कि साहब अच्छे में देख इंग्लिश में क्या बोलते हैं गुड गुड से अच्छा क्या होता है बेटर बेटर से अच्छा क्या होता है बेस्ट बेस्ट से अच्छा क्या होता है एक्सीलेंट उससे भी अच्छा क्या होता है अल्टीमेट ठीक है तो वैसे अच्छे से अच्छे की संभावना तो होती है ना कि नहीं होती है ठीक है देखो प्रयास मैं भी तो प्रयास कर रहा हूं भगवान सबका भला करे शुरुआत मेरे से करे क्योंकि मैं प्रयास ज्यादा करूंगा ये उसके लिए है जो मेहनत करना जानता है और मेहनत हमारा गहना है यदि अपन ने यहां पर सिलेक्शन का ठाना है और उत्कर्ष का एक ही गहना है मेहनत है तो आप जुड़े हैं बिल्कुल आपको मैं याद कराऊंगा और लास्ट तक लेना अभी थके नहीं अभी तो आधे टो क्या आधे टो आयो आज तो आज तो सवाल बाकी है आज तो माहौल बाकी है है ना आज इंडिया जीता है तो माहौल तो तगड़ा रहना ही चाहिए ठीक है हाँ रेडी है भाई हाँ इधर तो ये आपके हो गए कौन से अब मैं आपको लिस्ट बताता हूं इसकी ठीक है ये ठीक है जो है अब इसमें सेट करना यहां देखो एकदम प्रोफेशनल मैंने पहले पूरा हाथ से लिखा याद करा अब लिस्ट बताऊंगा ऐसा नहीं है कि लिस्ट लेके आए दड़ दर्द बता दिया ठीक है हाँ सभी जने बढ़िया ढंग से अपने जो है माता पिता को याद करके क्योंकि सबसे बड़ा गिफ्ट उन्हीं का होगा सुनना यदि आप सरकारी नौकरी लगते हैं यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो सबसे पहला गिफ्ट किसका होगा आप सभी के माता पिता को सभी के माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं और ये कामना करता हूं कि उनका पुत्र पुत्री जो है वो इस भर्ती में या जो भी एग्जाम की तैयारी कर उसमें लगे पहली विषय ये मेरा शुभकामनाएं है, साधुवाद है ये दूसरा आपका सिलेक्शन किसे सुकून देगा हमें और किसका सुकून बर्बाद करेगा आपके जो पड़ोसी है या आपके जो क्या uh, कहते हैं ना खतरनाक वाले क्रिटिकल्स है वो क्रिटिक्स करने वाले हैं जिसने आज तक ये इससे कुछ नहीं हो पाएगा ये कुछ नहीं कर पाएगा तो कहते हैं ना साहब जब हमने काम शुरू किया तो उन्होंने बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा हमने भी मुस्कुरा के जवाब दिया ये तो वक्त बताएगा साहब ये तो वक्त बताएगा तो मेहनत की भट्टी में झोंक दो तब कर लाल हो जाओ सिलेक्शन पक्का है दो हजार चौबीस में नौकरी पक्की है अब अपना पूरा दस मिनट इस पर लगाना याद करके छोड़ना हर एक शब्द को इधर आओ सबसे पहले आओ बलदेव जी आप बोलना मैं सुन रहा हूं ठीक है बलदेव जी मल्लिनादी बम बम बोले बम फोड़ते हैं कब चैत में देखो बम कब फोड़े चैत में बम कब फोड़े चैत में हर शब्द जुड़ा हुआ ये ट्रिक नहीं है ये लिंक है ये स्टोरी है ये एक क्या माहौल है है ना ये माहौल है इस माहौल से याद हो रहा है सुना जिसमें बल आया उसको मैं आगे ढंग से सुना जिसके पास बल ज्यादा है उसको मैं आगे ठीक है और ये नस्ल अभी छोड़ दो ये मैंने आपको करा दिया है वैसे करो तो नागौर में नागौर ये लो ठीक है फिर बलदेव जी मल्लिनाथ बम फोड़े कब क्षेत्र में बम फोड़े कब क्षेत्र में ये एक से पंद्रह है ये एकम होती है एक से पंद्रह है और ये ग्यारह से ग्यारह है तो बम एक से पंद्रह एक से एक ग्यारह से ग्यारह ये शुक्ल प्रतिपदा से शुक्ल यानी पंद्रह दिन चलता है ये कृष्ण है मैंने कहा ना कृष्ण मामा कृष्ण मामा और मल्ली तल्ली तिलवाड़ा है बाड़मेर है लेकिन सुनो अभी इसको क्या करते हैं बालोतरा कर दिया है ये पुराना है इसलिए मैंने यहां दोनों लिखे हैं भाई ऑप्शन में नया नहीं आए और आप बालोतरा याद करके सर ऑप्शन नहीं था तो बाड़मेर टिक कर सकते हैं बाड़मेर बालोतरा ही है इसमें क्या कहते हैं कथा कहते हैं कथा किसकी है कथा मल्लीनाथ जी की है मल्लीनाथ बाबा ठीक है याद हो गया चलिए आगे आओ इधर इसमें ये कौन से है, है ना इसमें गोमती सागर है और ये अब इंडिपेंडेंट ट्रिक्स बोलो गोमती सागर की क्या ट्रिक थी गोमती ने झला किया गोमती ने झाला किया मां लेके चंद्र के साथ भागी गोमती ने झला किया गोमती ने झला किया, किया मां लेके चंद्र के साथ गोमती जब भागी तो वैसा की वे भागी और उसको बोला गया कि तेरे है ना पांच जेठ है अब यहां पे थोड़ा सा ये है इसमें यहां कर दो क्योंकि जेठ जेठ है। कैसे हैं काले हैं तो कुछ मिसप्रिंट हो जाता है तो ये कृष्ण है ना तो इसने कहा तेरे रे का जेठ रे काले रे पांच तेरे जेठ काले पांच तेरे जेठ काले ऑप्शन देखते हो जाएगा अभी सवाल कराऊंगा ना आपसे ठीक है गोगा मेडी गोल घोड़ गोगोजी महाराज की जय हो गोगा मेडी कहां पे है नौर हनुमानगढ़ गोगा मेडी हरियाणवी स्टच है फिर क्या है इसके अंदर ये सावर शुक्र पूर्णिमा से पूर्णिमा है गोल गोल पूनम से पूनम है सारी सारी बातें रिवाइज प्रिंटिंग में सारा कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैंने इसको हाथ से पहले लिया ताकि आपको यह लगे कि सर रट के तो नहीं आया कहीं है ना हाँ आओ इधर तेजाजी महाराज तेजाजी का नाम लो पर्वत पे सर सर चढ़ जाओ कैसे ही पहाड़ हो पर्वत हो जिस जिसने तेजा जी का नाम लिया है बेड़ा पार हुआ है ठीक है हाँ। तो जय की तेजा जी का नाम लो पर्वत पे सर सर चढ़ जाओ और इसमें क्या आएगा यहाँ पे नाडी में कूद जा तेजाजी कुछ नहीं और देंगे नाडी कूद नाडी कूद नागौर डीडवाड़ा कुचाम अभी कुचाम सिटी में है पहले नागौर में हुआ करता था बीच में डीडवाड़ा था नागोर था ये पंद्रह दिन है सावण शुक्ल पूर्णिमा से ये कहां तक है पंद्रह दिन है वो पूर्णिमा से पूर्णिमा थे कौन से गोगो जी और ये उसके बाद में जसवंत जस लिया भरत जी ने जस लिया भरत जी ने हरियाणवी और अश्व पे गए और भरतपुर में कितने शब्द पांच पंचमी और इसके दो टुकड़े कर लो चौदह ये देखो चतुर्दशी तक एक एक चीज मतलब ऐसे रखी है कि आपके खोपड़ी में फिट किए जा रहे ले बेटा ले ठीक ले। है आओ इधर नेक्स्ट कार्तिक कार्तिक में कार्तिक में लोग पुष्कर के कुंड में जाके गिर जाते कार्तिक में पुष्कर में कुंड में जाके गिर जाते कार्तिक में पुष्कर के कुंड में जाके गिर जाते कार्तिक ने बोला सात दिन टाइम नहीं है महा आठवें दिन चलेंगे उसके बाद मिक्सर में दो दिन और रुकूंगा तेरको में ठीक है चंद्रभागा इसमें तीन जोड़ देना प्लस तीन कर देना डेट याद हो जाएगी चंद्र गोमती को लेके भागा चंद्र झला करके भागा चंद्र झला करके मार लेके भागा इसमें तीन जोड़ देना तो आठ में तीन जोड़ो भैया आठ में तीन जोड़ा तो ग्यारह हो गया द्वितीय में तीन जोड़ा पंचमी हो गया प्लस तीन का चंद्र भागा उसके बाद आओ इधर नेक्स्ट रामदेव जी रामदेव जी मां को मनाने मानासर गए रामदेव जी मां को मनाने मानासर गए ये कब रहते हैं एक से पंद्रह पंद्रह दिन तक रहे वहां पे गांव में ठीक है फिर आ जाओ यहाँ पे शिवजी शिवजी काले हैं गोरे हैं ये है और फाल्गुन शिवजी फास्ट चलते हैं धीरे चलते हैं फास्ट शिवजी काले हैं कृष्ण पक्ष में आते हैं सात से से चौदह यानी सेकेंड वीक स से शिवजी से सेकेंड वीक है और ये यहां पर कैसे याद रहेगा यहाँ पर शिव जी का मामा कृष्ण मामा कौन से मामा हैं कृष्ण मामा मल्लीनाथ अल्लाह बता दिया है और कौन से यहां पर है महाशिवरात्रि है महाशिवरात्रि है ये दो पहले यदि मैं आपको बताता ना तो इतना मजा नहीं आता कि ये प्रिंट सर आपने तो प्रिंट बता दी कि पहले मैंने पूरा एकदम आत्मसात किया है अब इसका जस्टिफाई कैसे होगा सुनो मैंने जितना गला फाड़ना था फाड़ लिया जितनी ट्रिके बतानी थी तो बता ली अब सवाल ही तो अंतिम होता है ठीक है अब सवाल आप करोगे जवाब मेरे होंगे थर्टी थर्टी सेकेंड के तीस सवाल आपके लिए लाया हूं। कर ले अरे थके तो नहीं होना ठीक है अब मैं तीस सवाल आपको कराऊंगा वो तीसों के तीसो आपके पेन कॉपी लेके बैठना सभी जने एक मिनट का भले ब्रेक ले लेना पेन कॉपी लाओ और लिखो फर्स्ट ये सेकेंड ये सभी जने करेंगे जितने बच्चे जुड़े हुए जो वीडियो देखेंगे ये सवाल करते समय आप अपना पेन और कॉपी लेके उसके आगे लिखेंगे पहले का ये मैं टाइम दूंगा आपको फिर कितने सही वे मुझे आज ही कमेंट करके बताएंगे ये होगा सही स्टडी का पैटर्न और यही चलने वाला है पशु परिचय भर्ती के अंदर ठीक है एकदम बराबर हां और अच्छे से इसको देखना इससे जुड़ी कुछ और बातें हैं ये तो आपको खुद ही पढ़ सकते हो जी इसमें क्या है कोई ट्रिक्स नहीं है ठीक है आय की दृष्टि से जसवंत पशु मेला बताते हैं पहले देखो वीर तेजाजी पशु मेला बताते थे लेकिन कोरोना काल में नागोरी जो बछड़े उस पर रोक लगी थी लेकिन यह आय का ऑथेंटिक नहीं होता है क्यों आय को देखो ऐसा है कि एग्जैक्ट नहीं माना जाता कितनी क्या हुई है तो ये ऑथेंटिक नहीं है जो ऑथेंटिक नहीं उसको सरकार नहीं पूछती है लेकिन फिर भी पता पता क्या सूत्रों से चलता है पहले वीर तेजाजी बताते थे, थे लेकिन कोरोना काल में नागौरी बछड़ा पर रोक लगने से जसवंत पशु मेला बताया मैंने भी सुना है सबसे ज्यादा पशु मेले कहाँ होते हैं नागौर में तीन ठीक है उसके बाद अब नागौर का एक जिला बन गया तो ये भी थोड़ा पॉइंट गड़बड़ हो गया अब बराबर हो गया सबसे लंबी अवधि तक यह ऑथेंटिक है सबसे एक महीना तक चलने वाला तीस दिन तक एक ही चलता बाकी पंद्रह सात चलते हैं हड़ौती में बताते हैं दो होते हैं हड़ौती में गोमती सागर भी है चंद्रबागा है तो गोमती सागर बड़ा है चंद्रबागा से नॉर्मल पॉइंट है इसमें समय खराब नहीं करेंगे सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला कार्तिक पशु मेला पुष्कर को मानते उसके पीछे रीजन है कि देखो पुष्कर अभी चले जाओ आप बिना पशु मिले तो भी सैलानी आते हैं अंग्रेज आते हैं लोग घूमने आते हैं तो वैसी भीड़ होती है भाई आप देखो इसको कैसे याद करें भाई पुष्कर में तो इन जनरल भी लोग घूमने आते हैं ठीक है अब नागौर में मानसर कौन जाएगा घूमने ठीक है वहां मल्लीनाथ के उधर बालोतरा कौन जाएगा घूमने ठीक है कहने का अर्थ है कि पुष्कर में तो वैसे ही भीड़ ज्यादा है इसलिए ये बड़ा बन जाता है रंगीला मेला बोलते हैं सबसे ज्यादा इसमें राज्य स्तरीय पशु मेले जाल यह भी पॉइंट कोई खास नहीं है पशुपालन विभाग के निरीक्षण में पशु नस्लों की पहचान की जाती है और उससे रेवेन्यू अच्छा आता है नॉर्मल पॉइंट हाँ अब आ जाओ इधर पशु परिचर के लिए अब एग्जाम की डेट पोस्टपोन हुई है लेकिन एग्जाम तो वही है तो उत्कर्ष क्या कर रहा है है ना आपके लिए तो उत्कर्ष पे सेवा दे रहा है और तो क्या करे ठीक है लेकिन फिर भी बच्चों के है कोर्सेज को लेकर हमने क्या प्लान किया तो आज सैटरडे है कल संडे परसों मंडे से यानी दो दिन आज और कल ऑनलाइन कोर्सेज भी है ऑफलाइन कोर्सेज भी है जयपुर जोधपुर दोनों जगह जोधपुर में जो है और जयपुर में परसों चालू होगा जयपुर में सुबह का बैच है जोधपुर में शाम का बैच है परसों तक ही इसकी ढाई हजार फीस है ऑनलाइन की उसके बाद ये आपके चार हजार हो जाएगा फिर आप बोलोगे सर ऑफर लाओ ये लाओ और सर उससे जो जुड़ने का मजा है उसका अलग ही आनंद है ठीक है आप बोलो सर ऑफर में लेंगे ये लेंगे तब आपको रिकॉर्डेड क्लासे मिलेगी और नहीं तो लाइव पढ़ोगे तो एकदम आनंद और होगा तो जल्दी से जुड़ जाओ दो ही दिन बचे हैं आज का और कल का है ना तो इसमें ऑनलाइन जुड़ना ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन कल आके अपनी सीट बुक करें चलते हैं आगे अब आ जाए क्वेश्चंस पे सभी जने पेन कॉपी ऐसे डायरी लाओ एक पेन लाओ ऐसे ठीक है हाँ ऐसा एक पेन कॉपी लाओ ठीक है हाँ आप भी लाओ मेरे सामने जो है ये भी क्लास अटेंड कर रहे हैं इनसे भी कराते हैं पूछते हैं कितने सवाल ये लो है ना अभी इनसे भी कराएंगे और गलत नहीं देना है सबकी ईमानदारी का परिचय देंगे ऐसी कक्षा बहुत कम होती है कि जिसमें आपका हाथों हाथ टेस्ट तो हाथ लिया जाता है तो मैं आपका टेस्ट ले लो कोई दिक्कत तो नहीं है ना सभी जने अपने पेन कॉपी को तैयार रखें 30 थर्टी सेकेंड बहुत होते हैं थर्टी सेकेंड दूंगा ज्यादा समय नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक डेढ़ घंटा हो गया है सभी जने थर्टी सेकेंड तक फटाफट टिक कर देंगे और फिर मुझे बताएंगे कितने सही हुए ठीक है तो लेट वी स्टार्ट द काउंटाउन ऑफ एनिमल्स फेयर क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने आ गए स्टार्ट नाउ पहला क्वेश्चन सभी जन टिक कर दे पहले का उत्तर और अपने कॉपी में करें जैसे ये ऐसे पहला उसके सामने उत्तर टिक करें कौन सा उत्तर होगा थर्टी सेकेंड दूंगा ज्यादा नहीं दूंगा थर्टी सेकेंड हो गए भाई इससे ज्यादा नहीं देंगे और मैं प्रत्येक का नाम नहीं ले पाऊंगा माफी चाहता हूं ना क्यों इरिटेशन होता कि ये कह रहे हैं, हैं। है दड़ हाँ। महाशिवरात्रि कैसे हैं है, गोरे हैं काले है, इसलिए करोली में बैठे हैं जयपुर में कोई है नहीं दो है नहीं तो इसका आंसर गया आपके सी आपको ऐसे लिखना है और जिसका राइट गया वो राइट लिख देना रॉन्ग वो रॉन्ग लिख देना रॉन्ग हो गई नहीं मैं ये चाहूंगा कि मेरा जो छोटा भाई मेरी बहन जो इस वीडियो को देख रहा है देख रही है उसका एक भी गलत नहीं ये मेरी आपको शुभकामना है मेरा आशीर्वाद है पूरे सही करे है ना गलती से भी गलत नहीं हो ठीक है मैं कत नहीं चाहूंगा किसी गलत हो तो आई थिंक ये सब का सही हो गया होगा दूसरा निम्न में से भरतपुर जिले में कौन सा पशु मेला आयोजित होता है तीस सेकेंड मैं आराम से रिलैक्स करूंगा क्योंकि बहुत गला मेरा बैठने लग गया है भरतपुर में कौन सा पशु मिला है फटाफट हम्म, भरतपुर में पशु मिला बताएं फटाफट चलिए गोगा मेडी तो अब मैं इसको पोस्टमार्टम चालू कर देता हूं गोगा मेडी है वो भरतपुर में नहीं है वो कहा है हनुमानगढ़ में है तो ये तो हनुमानगढ़ में ये तो है नहीं ठीक है कार्तिक पशु मेला पुष्कर में है ये भी नहीं है चंद्रभागा जाला करके ये भी नहीं है तो ऑटोमेटिक अपना आंसर करना है जसवंत जस लिया भरत जी ने जस लिया भरत जी ने जस लिया भरत जी ने, ने अश्व लेकर गए अश्व लेकर गए आपके दिल दिमाग में ट्रिके ऐसे छपनी चाहिए कि आपको वीडियो देखान काम हो गया ठीक है चलो बहुत बढ़िया भाई ठीक है तो सेकेंड का उत्तर क्या है ऐसे टिक करते रहे सेकेंड का आंसर क्या बना तो सेकेंड का बना डी ठीक है लिखते रहे ना कॉपी के अंदर पूछूंगा मैं ध्यान रखना तीसरा प्रश्न आपके सामने निम्न में से गोगा मेडी तीसरे का उत्तर मैं इनका पोस्टमार्टम चालू कर दू या थोड़ा रोको थोड़ा रोको सर है ना चलो थर्टी सेकेंड चलते हैं आराम से हम्म hmm. थर्टी सेकेंड दूंगा ज्यादा नहीं दूंगा ठीक है हाँ तीस सेकेंड बहुत होते हैं टिक्की तो करना इतना तो पड़ा है हाँ करो चले तो बताओ झालावाड़ वाड, झालावाड़ में तो नहीं झालावाड़ में दो है एक तो कौन से हैं गोमती है और एक चंद्र है, ये दोनों के दोनों झालावाड़ में है ठीक है तो ये तो नहीं है हनुमानगढ़ बिल्कुल हनुमानगढ़ में नोहर है तो उत्तर आ गया है गोगा मेढी इसका बी आंसर आया है ठीक है गंगानगर में कोई नहीं है नागौर में तो तीन है कौन से बराते नागौर में बराते आप पुराना आप जानते हैं क्या टाइम खराब करें ना हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार पुष्कर का बताओ फटाफट पुष्कर के अंदर कौन सा है पुष्कर अजमेर में कौन सा पशु मेला आयोजित होता है एक अनोखी क्लास जिसमें पहले पूरी थ्योरी बताई गई फिर एमसीक्यू कराए गए और आपको पूरा जस्टिफाई किया गया कि कितना याद हुए कि नहीं हुए फाइनली तो हमें एग्जाम ही देना है ना क्वेश्चन ही करना है हाथों हाथ करें और ये सिलसिला मैं तो सोचता हूँ रोज ही कर दे क्या बोलते हो है ना ये सिलसिला मैं तो सोचता हूँ रोज ही कर दे कि एक यूनिट या एक पार्टिकल कराया और उसके सवाल आए तो बड़ा मजा आएगा ठीक है तो बिल्कुल कल पशु गणना कराऊंगा उसमें भी ये रखेंगे ठीक है और फिर मंडे से उत्कर्ष के एग्रीकल्चर चैनल पे क्लास लेंगे मेन चैनल पे थोड़ा दिक्कत रहती है क्योंकि क्लास से ज्यादा होती है तो फिर अपन मंडे से उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पे लेंगे क्लासेस और एग्रीकल्चर चैनल पे आपको क्या करेंगे क्वेश्चंस जैसे आपने पढ़ा आधा घंटा आधा घंटा सवाल करेंगे तो पता चले ना कि अपन क्या सही कर रहे हैं हाँ बताइए तो मल्लीनाथ पशु मेला ये कहाँ पे है बा बा, 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 बा बा में क्या होगा वालतरा बालोत्रा वाले क्या बोलते हैं वालतरा है ना तो वालतरा तो नहीं है बाड़मेर भी नहीं है तो फिर बलदेव बलदेव जिसको बल आता है वो मैं में आ जाता है घमंड करने लग जाता है कार्तिक बिल्कुल कार्तिक है इसका तो इसका आंसर हो गया सी चस लिया भरत जी ने भरत जी ये भी नहीं है तो सी मेरे हिसाब से एक का भी गलत नहीं होगा एक का गलत नहीं होना चाहिए ध्यान रखना मैं पूछूंगा और मेरे जो सामने बैठे वो भी बताएंगे अपने कितने सही हुए है ना आपके सामने चलो मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर यार ये तो तीस सेकेंड दस सेकेंड में बता दो यार ये तो मतलब यू चुटकी में बता दो कि सर सटा सठ सट है दस सेकेंड में आपका उत्तर आ जाना चाहिए मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर बताओ मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर है, है ना हाँ मल्लीनाथ बाबा मल्लीनाथ बाबा जय हो मल्लीनाथ बाबा की कथा कहने वाले बाबा की तो पर्वत सर पर सर, सर, सर तेजा जी का नाम लो जय तेजा जी बाबा जी की माना सर मना नगे रामदेव जी तो रामदेव जी पशु मिला है ना हाँ रामदेव जी लिखते रामदेव अच्छा लगता है ना नोहर हनुमानगढ़ इसमें कौन सा है गोगा जी गोगा जी पशु मेला बचा एक ही तिलवाड़ा तो इसका आंसर आ गया है पांचवे का डी ठीक है उत्तर माला साथ, साथ क्या बात यार मतलब एक का गलत नहीं इसे कहते हैं पकड़ साहब मान गए आपको रियल में नीन में से गोमती सागर पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है बताओ <coughs> गोमती सागर पशु मेला जो है बहुत शानदार क्वेश्चन है कहां पर होता है दस सेकंड के है गोमती और चंद्रभागे क्या करके झाला करके अब पहले कोई व्हाट्सअप तो होता नहीं था ठीक है तो झाला करते थे हाँ क्या विचार है हाँ विचार तगड़ा ही है माल लेके भागो तो भागे अब सर दो है तो क्या करेंगे झालरा पाटन क्योंकि झालरा पाटन एक जगह है झालावाड़ में ठीक है हाँ इसमें कौन कौन है गोमती और चंद्र दोनों गोमती चंद्र दोनों के दोनों है इसमें <coughs> नागौर में कौन है नागौर में तीन है बराते नागौर में तीन है बराते बलदेव है बलदेव है रामदेव जी है ठीक है और तेजा जी है हालांकि आप तो इसमें बस सर तेजा जी हो गए है ना तेजा जी पशु मिला है ठीक है हाँ चलिए नेक्स्ट चंद्रभागा किसमें आयोजित होता लो चंद्रभागा किसको किस को लेके गोमती को लेके मेरे से कहने से मतलब सवाल आते ही आपके टिक है ठीक है हाँ चंद्रभागा किसको लेके अब घंटियों का सर ये तो मुझे नहीं पता है ठीक है जीके वीके नहीं पशुपालन से पता यार है ना जीके वैसे बहुत है जीके मैं आपको क्या टेंशन है मतलब बड़े पड़े हैं जीके में जीके आपको ही तगड़ी आती है मुझे पता है बस नस्लें और थोड़ा सा ट्रिक्स ये दो चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई है चंद्रभागा गोमती को लेके झला करके तो चंद्रभागा और गोमती सागर ये क्या करके झाला करके भागे माल लेके तो झाला से झालावाड़ नागौर में क्या है नागौर में बराते अरे मैं कह रहा याद ही हो जाएगा बाड़मेर में क्या है मल्लीनाथ ठीक है करौली में क्या है शिवजी शिवजी काले है शिवरात्रि मतलब आप इस सेशन को पूरा यदि आपने लिया है जिंदगी में पशु मेले आपको देखने की आवश्यकता नहीं है पर्वत सर पर्वत पे सर सर चढ़ जाते हैं जय बोलो महाराज की जय हो तेजाजी का नाम लो अरे है ना पहाड़ क्या सर सर चढ़ जाएंगे इस भर्ती को नहीं आय तक निकल जाओगे यदि तेजाजी का नाम लिया है उनकी जय करा किया है तो जय बोलो तेजाजी महाराज की जय हो पर्वत पे सर सर चढ़ जाते हैं जब तेजाजी का नाम लेते हैं तेजम तेज चढ़ जाते हैं बलदेव जी बलदेव जी जिसमें बल होता है उसको मैं आ जाती है घमंड आ जाता है रामदेव जी मां को मनाने गए मानासर कार्तिक में पुष्कर गई और पुष्कर के कुंड में घिर गई पुष्कर गई और पुष्कर के कुंड में गिर गई ठीक है चलिए नेक्स्ट नंबर नाइन है बलदेव इतनी बार बताइए तो मैं बता बल वाला कौन सा है मेरता ये तो चलो यार एक तो मुझे ही करने दो यार है इसका डी है वैसे पर्वत सर पर्वत पे सर, सर चढ़ जाते हैं तेजा जी का नाम ले कभी दिक्कत आए डर लगे तेजा जी का नाम लो माना सर रामदेव जी मानासर रामदेव जी पुष्कर में, में पुष्कर में क्या है आ, अपने कार्तिक कार्तिक महीने में लोग पुष्कर ज्यादा जाते हैं कार्तिक में ज्यादा जाते हैं ठीक है हाँ एक मैंने बता दिया सॉरी फॉर दिस मुझे टाइम का आइडिया नहीं था टाइम देना है थोड़ा मैं भी भावना बह गया था कर यार इतना इजी है क्या ठीक है इसलिए मैंने इसको कर दिया माफी चाहता हूँ नेक्स्ट में मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन में टाइम देता हूँ <coughs> यार इतने इजी सवाल है टाइम क्या देना फिर भी चलो ले लो ले लो है ना हाँ चलो करो ना साहब करो इसको सवाल को करो ना हाँ चश्मा लगाओ ना सर सवाल को करो ना सर हाँ चलिए बहुत है इतना टाइम इससे ज्यादा टाइम मत लो यार है ना ऑलरेडी डेढ़ घंटा हो गया है समय बहुत ज्यादा हो गया है है ना हाँ चलिए वट इज दिस मानासर रामदेव जी अपनी माँ को मनाने गए मानसर माघ महीने में बढ़ता ही है जिसमें बल आता है जिसमें बल आता है उसमें मैं आ जाती है तेजो जी का नाम लो पर्वत पे सर, सर चढ़ जाओ जिसको ये परीक्षा हार्ड लगे एनिमल हस्बेंड्री हार्ड लगे उसको तेजा जी की जय बोलनी चाहिए क्यों गौ माता और तेजा जी है ना मतलब बड़ा एक विचित्र नाता है जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे गौ माता के लिए है ना बिल्कुल बनता है यार रियलिस्टिक बनता है ना हाँ होना चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट ये आ गया है वापस पशु परिचय ये तो बता दिया था ना मैंने हाँ अंतिम दो दिन है जोधपुर जोधपुर ऑनलाइन कोर्सेज है है ना फटाफट जुड़ जाओ इसकी मैंने व्याख्या बता दी थी लो आया अब थोड़ा टफ क्वेश्चन आया भैया अब वास्तव में समय देना पड़ेगा हरियाणवी तो फटाफट आप मुझे बताओ क्या मैंने ट्रिक बताई थी नस्लों की सभी जने बोल के बताओ नागोरी नस्ल बराते ठीक है देखना आप करते रहो मैं तो खाली इधर लिखूंगा जब भी पूछे सीधा कर दो नागोरी क्या लाया बराते नागोरी क्या लाया बराते हरियाणा वाले क्या करते हैं जगो, जगो जगो शीदी जगो जगो हरियाणा वाले क्या करते हैं जगो शिवजी जगो जगो शिवजी जगो।, जगो, जगो है ना जसवंत और ये फिर कौन से हैं माल लेके कौन वागे माल लेके गोमती और चंद्र वागे माल लेके गोमती और चंद्रभागे ये लो आठ तो ये हो गए आठ तो यू कर देते हैं तीन तीन दो आठ ये नस्ल है नागौरी बराते लेके आया नागौरी बराते लेके आया ठीक है हरियाणवी क्या करते हैं जगो शिवजी जगो जगो शिवजी जगो और मालवी कौन है गोमती और चंद्र माले के बागे कथा कौन कहते हैं मल्लीनाथ बाबा कथा कौन कहते हैं मल्लीनाथ बाबा और बच्चा कौन अपने पुष्कर पुष्कर में क्या है भाई पुष्कर में गिरी पुष्कर के कुंड में डुबकी लगाते लगाते नीचे गिर गई ये पूरी दस नस्लें हैं बोर्ड पर आप में हिम्मत चाहिए ताकत चाहिए याद करने की वीडियो खत्म होते होते ये बोलना चाहिए सर पशु मेड़ों की जबरदस्त क्लास थी ऐसा एक एहसास आपके दिल में पैदा होना चाहिए मेरी मेहनत आपकी मेहनत उत्कर्ष की मेहनत और पूरी अपने जितनी पावर उन को इकट्ठा करके यही आना में तो याद बरात आया है मेडी और, आ, फिर बचा कौन सा वाला इधर माल माल लेके कौन नाटे गोमती और चंद्रभागे ठीक कौन है कथा कौन कहते हैं मल्लीनाथ मल्लीनाथ बाबा बाबा बालोत्रा बाडमेर पुष्कर पुष्कर के कुंड में गिरी पुष्कर के कुंड में गिरी हाँ ठीक है चलो आ जाओ निम्न में से कौन सा पशु मिला ये लो कथा आगे भाई कथा कथा कौन कहते हैं मल्लीनाथ बाबा कहते हैं इसमें बहुत कुछ जुड़ा है बाबा में क्या है बलोत्रा बाड़मेर कथा में क्या है कंकरेश थार पारकर उत्तर मैंने इंडायरेक्टली बता दिया है है ना चलो बताओ फटाफट उत्तर मैंने इनडायरेक्टली बता दिया है और मेरा बस चले तो मैं मेरे हर विद्यार्थी को उत्तर बता दू इतना मेरा है ना विद्यार्थी से अटैचमेंट है मेरा विभाग मेरा अभिमान पशुपालन विभाग मेरा विभाग मेरा अभिमान मेरा विद्यार्थी मेरा भगवान है ना और उस भगवान को मैं हारने नहीं दूंगा देखो मैं जितनी मेहनत कर सकता हूं उतनी करूंगा इस परिचर भर्ती में क्या मैं तो हर बार ही करता हूं आपके सामने अभी आया हूं ठीक है लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको पशुपालन में एक भी चीज में दिक्कत नहीं आने दूंगा अब देखो पूरे सही करना ये करना वो तो मालिक भगवान के हाथ में है लेकिन मेहनत अच्छी करेंगे और अः मतलब ढंग से करेंगे यू नहीं है चार सवाल पढ़ा दिन नहीं है ना दिल से करेंगे अच्छे से करेंगे है ना चलो बताओ कार्तिक में कौन है कार्तिक कुंड में जाके गिरी कार्तिक कुंड में जाके गिरी जसवंत जस ये कौन से हरियाणा वाले है ना हाँ हरियाणवी हरियाणवी कैसे है भैया है ना जगो से मल्लीनाथ ये यही तो आंसर है मल्लीनाथ यानी कि बारह का क्या है सी है और चंद्र भागा माल्य के बेटा माल लेके भाग गया है चलिए ने मालवी लो अभी तो जस्ट बताया मैं सबका बताऊ जब तक आप उत्तर देखो कार्तिक पूछे तो कार्तिक में क्या है पुष्कर कुंड में गिरी ठीक है दो बार आगे कार्तिक तो इसको थोड़ा चेंज कर दो ना कार्तिक दो बार आ गया कोई सुनी है आ जाता है है ना तो इससे आप कर दो कौन सा वाला है ना आ, आ, रामदेव पशु मेला बस ये लो ठीक है हा मालवी रामदेव पशु मेला में कौन सा है नागौरी रामदेव में कौन सा है नागौरी ठीक है और उत्तर क्या हो गया इसका उत्तर हो गया चंद्रभागा चंद्रभागा माल लेके इसमें ये लो जो पशुपालन का सवाल ये नस्ल वाला सवाल आएगा ठीक है चलिए फटाफट आ जाओ ये आ गया भाई सवाल नहीं चार चार सवाल एक साथ चार सवाल एक साथ आगे आपके सामने कि कार्तिक पशु मिला ये है मिलाओ फटाफट क्विक ये एक में चार क्वेश्चन मतलब एक में चार क्वेश्चन है फटाफट थर्टी सेकेंड देता हूं मिलाओ तो कार्तिक है कार्तिक है कार्तिक है कार्तिक में पुष्कर में कुंड में जाके गिरी कार्तिक में पुष्कर गई और गिरी गोमती गोमती माल के भागीचंद्र के साथ जस लिया है ना जस लिया हरियाणा ने और तेजाजी तेजाजी पर्वत पे सड़ सड़ चढ़ते नागोरी और जसवंत का ये रहा ठीक है अब आप मैच करो ऐसा कौन सा है कि साहब पहले के अंदर दूसरा पहले में सेकंड दो जने दे रहे हैं दूसरे का तीसरा उत्तर इन दोनों में सही आ गया भाई सेकेंड आंसर है इसका फिर इसका चौथा बिल्कुल इसका तो चौदह में सेकेंड आंसर है अभी ना, मैं आपको लास्ट में पूछूंगा पूरे कितने आदित हो गए पंद्रह सवाल और बचे हैं थोड़ा फास्ट कर ले हाँ। कौन सा पशु मिला नागौरी नस्ल संबंधित है बताओ नागौरी इनडायरेक्टली नागौरी बराते लेके आया कभी पूछे नागौरी ये लो मैंने उत्तर ही बता दिया नागोरी बराते लेके आया आप लिखते रहो मैं पूरा कर दूंगा नागोरी बराते लेके आया नागोरी बराते लेके आया नागोरी बराते लेके आया बसे बलदेव पशु मेला मेड़ता रामदेव पशु मेला मानासर तेजाजी पशु मेला परबत सर, सर। ठीक है ये तीनों नागौर में हालांकि अब तेजाजी वाला है वो नाडीकूद यानी डीडवाणा और कुचामण हो गया तो कौन सा है भाई नागौरी में बलदेव चंद्रभागा माल लेके चंद्रभागा माल लेके कार्तिक पशु मिला कार्तिक के कुंड में जाके गिर गई ये लोग आय की दृष्टि से देखो इसमें थोड़ा सा असमंजस है क्यों असमंजस है क्योंकि हमने भी पढ़ाई है भाई हमने कौन से जाके वहां नॉट गिने ठीक है ठीके? लेकिन इसमें ज्यादातर तेजाजी पशु मिला बताते हैं लेकिन कोरोना काल में ऐसा सुनने में आया था कि नागौरी बछड़ों पर रोक लग गई थी और नागौरी बछड़ों पर रोक लगने से फिर फाइनेंस था और फिर जसवंत पशु मिला गया था तो ये थोड़ा सा डाउटफुल केस है लेकिन उत्तर तो देना पड़ेगा ना ठीक है तो सर हम क्या करें भाई अभी तो अपन जसवंत करेंगे लेकिन इसमें जसवंत है ही नहीं चलो बहुत बढ़िया जसवंत नहीं देंगे क्योंकि इसमें तेजाजी पशु मेला से ही इनकम ज्यादा बताते हैं लेकिन ऐसा सुनने में आए कोरोना काल में है ना तो हमने भी रिसर्च करी लेकिन हो सकता है बट अभी इसमें तो झंझट ही नहीं है आप कैसा आएगा ही नहीं क्योंकि प्रश्न वैसे ही बनाया जाता है जो आ, क्रिटिक्स पैदा नहीं करे गए क्या हाँ तो उत्तर यही रहेगा नेक्स्ट आ जाओ फटाफट सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं बताओ सर्वाधिक राज्य पशु स्तर वाले कौन से होते हैं तो देखो हनुमानगढ़ में तो एक है हनुमानगढ़ में तो एक है कौन सा वाला गोगा जी है ना हनुमानगढ़ में तो एक ही है गोगा मेडी तो इसमें तो कह नहीं सकते ठीक है झालावाड़ में दो है कौन से गोमती और चंद्र गोमती और चंद्र ठीक है चलो दो भी ठीक है अजमेर में एक ही है कौन सा कार्तिक पुष्कर वाला तो बचा कौन सा नागोरी क्योंकि इसमें क्या है तीन है नागौरी लेकिन अब ये कॉम्पिटिशन में आ गया है। क्यों आ गया गया है है क्यों क्योंकि यहां से एक अलग हो गया है 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 ना एक तेजाजी पशु मेला जो है, अब कुछ में आएगा लेकिन अभी तक जब जिले अपडेट हुए नहीं है, है ना तो अभी यही ठीक करेंगे लेकिन भविष्य में हो सकता है ये दोनों फिर इसमें भी दो इसमें भी दो तो ये थोड़ा वर्ड चेंज होगा तो ये अपने क्या कहते हैं वो है है ना वो आईक्यू की बातें हैं ऑन स्पॉट डिसीजन लेने वाली और ये संख्या कम मत करो जाओ मत क्योंकि आपको मैं लास्ट में पूछूंगा ठीक है लास्ट पूछूंगा कितने सही हुए ठीक है हाँ। चलिए नेक्स्ट राजस्थान में सबसे लंबी अवधि वाला बताओ देखे सारे के सारे जो है सारे के सारे जो है चंद्रभागा ये चलता लगभग नौ एक दिन ठीक है गोगा ये चलता है एक महीना गोल गोल लड्डू पूनम से पूनम ये क्या चलता है जय हो गोगी जी बाबूजी की गो 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 गोल 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 क्या पूनम से पूनम गोल गोल क्या पूनम से पूनम तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा आने में कितना टाइम लगता है तीस दिन और ऐसा एक ही मेला है जिसमें तीस दिन है तेजा जी पशु मेला पूनम से अमावस्या तक है पंद्रह दिन है हालांकि मैं इसकी भी ट्रिक लेकिन जरूरत नहीं है समय गिन सकते हैं ना हाँ चलिए हड़ोती आंचल अब हड़ौती में कौन कौन से हैं तो हड़ोती आंचल में दो है झालावाड़ वाले हड़ौती कौन सा है झाला है ना तो झालावाड़ में आपके दो है कौन से गोमती सागर गोमती सागर पूरा नाम है और चंद्रबागा अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर इसमें कौन सा है तो आप खुद बताओ ना दोनों में से अक्सर ज्यादा किसमें इसमें है, इसमें है, इसमें है, है इसमें कितने अक्सर है छह इसमें कितने हैं दो अब बताओ कौन सा ज्यादा है इसमें कौन सा है दो है गोमती और चंद्रभा गोमती सागर है ना है ना तो इसमें ऐसा है गोमती सागर मानते चंद्रभागर नहीं मानते हैं ठीक है तो इसमें आपका जाएगा गोमती सागर चंद्रभागा में चार है तो ये है 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 जहां तक मुझे पता है। वीर तेजा जी जो नागौर का है इसमें नहीं मानते तो गोमती सागर चंद्रभागा में थोड़ा सा इश्यू रहता लेकिन ऐसा डेटा आया है उसके आधार पर देखो अपन यूं नहीं कहते आंकड़े आए हैं उसके आधार पर है गोमती सागर ठीक है आंकड़ों के आधार पर बात की जाती है निम्न में से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य पशु मेला कौन सा है बड़े होने के पीछे रीजन मैंने आपको बताया था क्या है जहां सैलानी रहते हैं है ना जहां सैलानी आती रहते हैं ठीक है वहां कौन सा है है ठीक तो यहां पर तेजाजी पशु मेला अब तेजाजी परबत सर में ठीक है उधर नागौर के लोग आएंगे बाहर के क्यों आएंगे चंद्रबागा में झालावाड़ उधर के क्यों आएंगे लेकिन कार्तिक है ये पुष्कर है और पुष्कर में वैसे ही लोग घूमने आते हैं तो लोग घूमने आएंगे तो वहां पे ऑलरेडी क्या है संख्या बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आ जाओ यहां पे सावन की शुक्ल पूर्णिमा से पूर्णिमा अरे आगे भाई अपने गोगा जी आगे पूनम से पूनम पूर्णिमा से पूर्णिमा पूर्णिमा से पूर्णिमा पूर्णिमा से पूर्णिमा पूर्णिमा पे क्या होता है गोल गोल चांद होता है गोल क्या होता है चांद होता है चंद्रमा होता है और गोल गोल से क्या हो जाएगा यहां पर गोगा जी तो इधर से लाओ तो क्या हो जाएगा गोगो जी जय हो गोगो जी, जी की तो यहाँ से आंसर बाबूजी गोगा मेडी क्यों कार्तिक जो है इसकी सबकी डेट बताई अब रिविजन क्या करें नहीं हाँ चलिए फाल्गुन आ गया भाई फागण आ गया फागण फागण के अंदर बताओ फटाफट फागण के अंदर क्या होता है जसवंत पशु मेला नहीं जसवंत तो है जसवंत जी अश्व लेके गए तो अश्विन माता है रामदेव जी माँ को मनाने गए माना सर बलदेव बलदेव चैत्र माता चैत्र में बम फोड़ते हैं और शिव जी फास्ट वास चलते हैं शिव जी फास्ट चलते हैं फास्ट में फागुन आता है और ये आपके माँ शिवरात्रि की डेट भी होगी तेरस को तेरस को होता ना हाँ ये है चलिए नेक्स्ट Osionfish. वीर तेजाजी पशु मेला कब बढ़ता है तो वीर तेजाजी पशु मेला कब बढ़ता है सावन भादवा गोगा तेजा श्रवण भादवा अरे गोगा तेजा श्रवण भादवा गोगा तेजा सावन भादवा गोगा तेजा ये तो होता है पूनम से पूनम और ये पुनम से चैत्र में नहीं चैत्र में ये प्रतिपदा है ना तो ये तो बलदेव हो गया सॉरी है ना ये तो बलदेव पशु मेला की बात हो गई सावन पूर्णिमा समस्या बिल्कुल ये सही है और माघ में माघ में माँ को मनाने कौन गए रामदेव जी ये सब उन स्टोरियों का कमाल एक धड़ाधर धड़ाधर याद आ रहा बाकी रटने से होता है कि नहीं होता है स्टोरिया दिमाग में फिट हो गई है सेट हो गया है ठीक है हाँ आइए नेक्स्ट सात क्वेश्चन है दस मिनट का काम है ये इतना छोटा क्वेश्चन है ना एल ए से एक परीक्षा होती है लाइव स्टॉक असिस्टेंट आजकल एल ए सही हो गया है ठीक है इसमें अभी रिसेंटली कौन सा था बाईस से पहले 2018 में ये सवाल आया पशु परिचर से ऊपर पोस्ट पशु परिचर फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी उसके ऊपर पर होती है लाइव स्टॉक असिस्टेंट बोलते थे पहले अभी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर हो गए कशी सॉरी पशुधन निरीक्षक ठीक है पहले इनको असिस्टेंट अब ये एलएसआई हो गए तो एलएसए एल एस आई में ये अठारह में आ चुका है कितने मेले दस क्योंकि देखो ऐसे तो बहुत पशु मेले हैं ऐसे तो बहुत पशु मेले हैं है ना जगह जगह छोटे छोटे है ना खूब है लेकिन दस पशु मेले पशुपालन विभाग उसकी स्वीकृति देता है ठीक है तो ये दस है क्वेश्चन आए हुए लो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है मल्लीनाथ पशु मेला जो है मल्लीनाथ पशु मेला जो है कब से कब रहता है तो मल्लीनाथ कैसे याद करेंगे बम बम बोले बम कब फोड़ते हैं चैत्र में ठीक है अब ये कब होते हैं ये एकम एक से एकम एक से पंद्रह तक और ये दस दिन आगे ग्यारह से ग्यारह तक अब देखो ग्यारह से ग्यारह कौन है चैत्र शुक्ल प्रतिबद्धा ये बलदेव जी की बात हो रही है ठीक है चैत्र कृष्ण कृष्ण कसन मामा कसन जब भी पूछे ना कौन है कसन मामा मामा में क्या है मल्लिनाथ और ये माघ में कौन है रामदेव जी रामदेव जी माँ को मनाने गए मानास गोमती सागर पशु मेला गोमती सागर पशु मेला बताओ भाई गोमती सागर बहुत बढ़िया ट्रिक बताई थी गोमती तेजी से भागी चंद्र के साथ तो गिर गई क्या लेके भागी वैसा की और क्या बोला चंद्र ने तेरे रे काले रे पांच जेठ है गोमती बोली कोई टेंशन नहीं अब भागे पीछे मुड़ने का नहीं हाँ ठीक है तो कौन सा है सावन शुक्ल बादवा नहीं ये तो अपने कौन सा है सावन शुक्ल ये तो तेजाजी है तेजाजी पशु मेले की बात है कार्तिक शुक्ल एकादशी कार्तिक शुक्ल आठ एकादशी ये चंद्रबागा है ठीक है वैसाख देखो इतना इजी है वैसाख वैसाख में तेरे रे पांच रे काले जेठ ना आगे क्या बताना चलिए कार्तिक शुक्ल एकादशी से तक तो रखना कार्तिक में दो है काच, काच कार्तिक में लोग क्या देखते हैं काच कार्तिक और चंद्रभागा दोनों कार्तिक में है ये ध्यानगना कब है आठ से लेकर आठ से दूस तक आठ से दूस तक और इसमें तीन बढ़ा देना कितने बढ़ा दो तीन तो आठ से तीन बढ़ाओ ग्यारह से लेकर दो में बढ़ाओ पांच तक ये साइंस लगा दी मैंने तो ग्यारह ना ग्यारह ये ग्यारह चंद्रभागा की बात कर रहा है तो चंद्रभागा कौन सा आंसर रहेगा चंद्रभागा ठीक है बी जाएगा सबका वो कहना भाई गलत तो नहीं कहना हाँ सत्ताईस का बी है चलिए नेक्स्ट तीन सवाल और है फिर बोलेंगे एक जयकारा और फिर पूछेंगे आपसे सवाल कितना है ठीक है बलदेव पशु मेला कब से कब तक होता है बलदेव बलदेव सबसे पहला आयता में लोग बम फोड़ते हैं चैत्र में बम फोड़ते हैं चैत्र में बम फोड़ते हैं ठीक है हाँ चैत्र वाला देखो तो एक ही कहे चैत्र वाला बाकी है ही नहीं ये सावरण पूर्णिमा से है ये तेजाजी महाराज की बात चल रही है फागन है फागण किसका था शिवजी का शिवजी फागण में याद किए जाते हैं और ये पड़ा मतलब 28 देखते ही सीधा सठ उत्तर है ठीक है नेक्स्ट आपके है कौन वाला जसवंत जस लिया भरत जी ने 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 अश्व लेके भागे अश्व लेकर गए अश्व लेकर राम जी के पीछे गए अश्व से एक ही है अश्विन ये देखो सर इसमें आ जाए तो अश्विन ये है जसवंत भरतपुर में पांच है पांच के दो टुकड़े कर चतुर्दशी गुणतीस का बी है गुणतीसवे का बी है बी है है ना कार्तिक में ये अलग है कार्तिक अष्टमी है ये कौन सा है खुद कार्तिक है ये ये खुद कार्तिक है ठीक है कार्तिक को सात दिन टाइम नहीं है फागुन में कौन चाहते हैं शिव जी आते हैं ठीक है कार्तिक शुक्ल एकादशी कार्तिक में काच देखते हैं कार्तिक में चंद्रभागा है, क्योंकि कार्तिक है ना ये आठ से दूस तक है कार्तिक को सात दिन टाइम नहीं आठ है और इसके आगे प्लस तीन कर दें तो ग्यारह से लेकर दो में क्या जोड़ दो पांच तक तो ये कौन सा आ जाएगा चंद्रभागा सबको पता है पूनम से पूनम गोल गोल लड्डू हाँ अब तो लड्डू फूटेंगे जब तुम्हारे तीन चार सवाल सही होने वाले हैं रामदेव जी रामदेव जी कौन से है भैया रामदेव जी माघ एक से लेकर पंद्रह तक ठीक है हाँ ये लो लास्ट सवाल आज का आ गया लास्ट सवाल ही नहीं आ गया पशु परिचय का परसों कोर्स चालू हो रहा है आ, मंडे को सोलह से आज कितनी तारीख है चौदह है ना आ, तो पंद्रह और सोलह परसों से है अब एक बार बढ़िया सभी जने सभी देवताओं का जयकर लगा देंगे सबसे बोलो पहले जय वीर तेजा जी की जय हो जो इतने बढ़िया ढंग से आपने पूरे दो घंटे सिद्धत से मुझे समय दिया और मैंने भी पूरा गला फाड़ फाड़ के मेहनत की ठीक है फिर गोगो जी की जय हो रामदेव जी की जय हो और सभी तैतीस करोड़ देवी देवताओं की जय हो अपना सिलेक्शन हो जाए ऐसी भावना के साथ दूसरा आपको पूछूंगा कितने सही किए तीस में से तीस में से तीस अट्ठाईस तीस हाँ हमारे सामने आपके कितने सही हुए पूरे सही हुए हैं चलो हमारी जो क्लास कराते हैं पर्दे के पीछे जो टीम है तो हमारे साथ जो बैठते हैं जितेंद्र जी है ना उनकी एक कॉपी है ठीक है और जितेंद्र जी ईमानदार से बताए आपके सारे सही गए क्या है

आज ही सभी भगवान की जय बोली और पिछले एक घंटे 50 मिनट 41 सेकंड से सभी जन जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत साधुवाद मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि चौबीस आपके लिए नौकरी वाला साल आए आपके माता पिताजी को अच्छा गिफ्ट मिले और हमें भी एक सूचना मिले भूल मत जाना ना है ना उत्कर्ष की ये उत्कृष्ट कहानी आपको सिलेक्शन देना है तो इसी साधुवाद के साथ शुभकामनाओं के साथ आज का लेते हैं अलविदा और एक बार फटाफट पड़ जय बोल के सेशन करते फिनिश ओके थैंक यू बाय ऑल द बेस्ट सब्बा खैर गुड नाइट